स फ्रेंड्स वेरी गुड आफ्टरनून ऑल जो लोग कनेक्ट किए हैं ऑनलाइन के अंदर जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा अबाउट द ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी इज इट ऑल गुड ऑल क्लियर वेरी गुड आफ्टरनून ऑल चलो फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा गाइज गाइस ऑल क्लियर ओके आदित्य जी शुभम जी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल हेलो, आंशी, जी क्लियर है ओके गाइस ग्रेट वेरी गुड आफ्टरनून अंकित जी चलेगा गाइज सो वेरी गुड आफ्टरनून राधिका जी सब लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून गाइज कैसे हो सब लोग के हाल चाल गाइज सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन आप सब लोगों ने जो है वो फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर किया हुआ है और आप अभी इंटरमीजिएट में आ चुके हो सो मे ट्वेंटी फोर के अंदर हम लोगों को इंटरमीडिएट बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है जी हाँ चलेगा सो सोगाइज बॉयज एंड गर्ल्स आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो बहुत ही बेसिक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले आपको जो है वो कोर्स का आइडिया या फिर आपको जो सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ छोटा छोटा इंफॉर्मेशन में देने वाला हूं जी हाँ लाइव सेशन रहने वाला है हाँ जी सर लाइव सेशन रहने वाला है चलिए सोगाइज बॉयज एंड गर्ल्स आज के लेक्चर के अंदर आपको नोट्स का जरूरत नहीं है बस आपको कॉन्सेंट्रेट करना है बोर्ड पर बहुत ही बेसिक जो है वो डिस्कशन आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एकदम बेसिक जो आपको कॉस्टिंग में जो कॉस्ट क्या है कॉस्टिंग क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है ठीक है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सो गाइज बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इस कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर न्यू सिलेबस के अंदर कितने टॉपिक्स है वो हम लोग देखेंगे हमारा जो नोट्स है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है सबसे पहला जो पार्ट है इसके अंदर वन टू सेवन टॉपिक हम लोगों ने कवर किया हुआ है सो वन टू सेवन के अंदर कौन सा कौन सा टॉपिक है वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नेक्स्ट टॉपिक है आपका मटेरियल कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट ओवर जी हाँ नाम बहुत जबरदस्त है खुंखार नाम है अगर आप चेक करेंगे ओवर जो सर के ऊपर से जाता है उस टॉपिक का नाम है ओवर जी ना गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक जो सी फाइनल में पहले था अब जो है वो इंटरमीडिएट में ऐड किया हुआ है वो है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉस्ट शीट गाइज बॉयज़ एंड गर्ल्स मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ माय क्वेश्चन टू यू इज़ दैट आपने इलेवंथ के अंदर आपने ट्वेल्थ के अंदर फाउंडेशन के अंदर एफ आई वगैरह कुछ स्टूडेंट रहेंगे आपने अकाउंटिंग किया हुआ है नॉर्मल अकाउंटिंग आपके लिए एक सब्जेक्ट था तो गाइज आपने सबसे पहले क्या किया था सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हुए देन आपने अकाउंटिंग एंट्री पास किया लेजर वगैरह प्रिपेयर किया ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया उसके बाद आप लोगों ने क्या किया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आपने बैलेंस शीट बनाया करेक्ट और रॉट जी हाँ रिप्लाई कीजिएगा जी हाँ सही है या गलत है बराबर आपने अकाउंटिंग ऐसे ही कुछ सीखा हुआ है इलेवंथ के अंदर ट्वेल्थ के अंदर तो गाइज़ आपका अल्टीमेट एम क्या था अकाउंटिंग करने का अल्टीमेट एम ये था आप पीरियडिकल कुछ स्टेटमेंट बनाना चाहते थे कौन सा पीरियडिकल स्टेटमेंट था पीरियडिकल स्टेटमेंट था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट सो so दैट आपको आपका जो ऑर्गेनाइजेशन उसका क्या पोजिशन है प्रॉफिट कितना है ठीक है वो जानना था तो वैसे का इस कॉस्टिंग के अंदर मेन अपना इंटेंशन है, जो है वो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है उस स्टेटमेंट का नाम है कॉस्टशीट जैसे आप नॉर्मल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हो वैसे ही आपको कॉस्टिंग के अंदर जो है वो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है जैसे बैलेंस शीट के अंदर आपका एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है लाइबिलिटीज है एसेट है पहले फिक्स एसेट करंट एसेट सेम टू सेम आपको जो है वो कॉस्ट शीट के अंदर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है तो अपना अल्टीमेट एम क्या है इसी इंटरमीडिएट लेवल में तो भी आपको जो है वो पीरियडिकल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है जिसका नाम है आपका कॉस्ट शीट ठीक है गाइज अगला जो है वो टॉपिक है सेवेंथ टॉपिक जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जी हाँ गाइज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम यहाँ पे आपको अकाउंटिंग एंट्रीज पास करना है यहाँ पे आपको लेजर प्रिपेयर करना है इस टॉपिक के अंदर आपको रिकन्सिलेशन भी करना है सर बहुत मजा आया था इलेवेंथ के अंदर ट्वेल्थ के अंदर बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट जो है वो हम लोगों ने जी हाँ बनाया था नहीं बनाया था बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट था या नहीं था जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा गाइज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट वैसे हम लोगों को यहाँ पे कॉस्टिंग के अंदर भी रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है रिकन्सिलियशन अकाउंट प्रिपेयर करना है तो ये जो टॉपिक नंबर सेवन थे गाइज ये आपका पूरा की पूरा अकाउंट्स रिलेटेड टॉपिक है यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया अकाउंटिंग एंट्रीज पास करना है लेजर प्रिपेयर करना है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है उसके बाद हम लोगों को रिकन्सिलिएशन करना है ओके <coughs> सो okay. so, आपका जो क्लास वर्क है आपका क्लासवर्क का जो बुक uh, है उसमें वन टू सेवन टॉपिक हम लोग सीक्वेंस में कवर करेंगे पहले बेसिक फिर मटेरियल लेबर ओवरहेड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कॉस्टशीट के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ये जो है वो हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर कवर होने वाला है देन आगे बढ़ते गाइज सेकेंड मॉड्यूल की तरफ चलते हैं हमारे सेकेंड मॉड्यूल के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे दैट इज अ प्रोसेस कॉस्टिंग देन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग जिसको हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोलेंगे एंड तीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सी ए फाइनल का एज इट इज़ सी ए में ऐड किया हुआ है वो टॉपिक है आपका गाइज मार्जिनल कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजट्स एंड बजेटरी कंट्रोल सो सी ए फाइनल से कुछ चार टॉपिक इंटरमीडिएट में ऐड किया है उन्होंने वो था आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बजेट बजेटरी कंट्रोल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग एज इट इज आपको सी फाइनल में भी मिलेगा एंड गर्ल्स सेकेंड पार्ट जो आपका सेकेंड मॉड्यूल है उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर मैंने जैसे बताया हुआ था कि फर्स्ट पार्ट के अंदर जो आपका मॉड्यूल है वन टू सेवन टॉपिक रहेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपका एट टू फिफ्टीन टॉपिक रहेगा ये रहा आपका क्लास वर्क का नोट्स इसके बाद मैं आपको एक और नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ जो है आपका कंसेप्ट बुक सबसे खुंकार बुक है सबसे ज़बरदस्त बुक है जिसके अंदर गाइज़ ये सारे जो टॉपिक्स है ये सारे जो कंसेप्ट है वो बहुत ही डिटेल के अंदर बहुत ही अच्छे लैंग्वेज के अंदर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको दिया हुआ है सर जिसका यूज़ इतना ज़बरदस्त है आप पूरा की पूरा कॉस्टिंग 150 टू 200 पेज के अंदर आप रिवाइज़ कर सकते हैं जो मेरे रिवीजन लेक्चर आता है रैपिड रिवीजन लेक्चर करके जो यूट्यूब पे फ्री रहता है गाइज वो जो रिवीजन लेक्चर है वो पूरा की पूरा कंसेप्ट बुक से ही मैंने uh, किया हुआ है सो so दैट आपको फटाफट -फड़ से जल्दी से सारे कंसेप्ट क्लास के बाद रिकॉल हो जाए नोगाइज बढ़ते हैं आगे सो so, ये रहा गाइज आपका सिलेबस यानी ये फिफ्टीन टॉपिक जो है वो हम लोगों को कवर करना है नोगाइज बॉयज एंड गर्ल्स बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ गाइज थोड़ा कुछ डिस्कशन जो अभी ओल्ड पैटर्न है उसका मैं करवाने वाला हूँ, सो so देट आपको ये पता चले कि नए सिलेबस के अंदर नवंबर ट्वेंटी थ्री तक जो पेपर पैटर्न है उसका आपके सामने फटाफट से डिस्कशन कर देता हूँ, विच इज नॉट रिलेवेंट फॉर your एग्जामिनेशन लेकिन ये पता चलेगा हम लोगों को जी अगर कैसे प्रिपरेशन करना है ओल्ड पैटर्न के हिसाब से, guys, uh, सबसे पहला जो था, वो लेकिन पहला क्वेश्चन जो था वो कंपलसरी बाकी अगर आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन ठीक है इसमें ए बी ए बी ए बी करके दस दस मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे और लास्ट जो था आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स इसके अंदर पूरा की पूरा थियरी पूछा जाता था ठीक है पांच क्वेश्चन पूछे जाते थे ट्वेंटी फाइव मार्क्स में से कोई भी ट्वेंटी मार्क्स का जो है वो पेपर आपको अटेम्प्ट करना था ट्वेंटी मार्क्स के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था यानी एक ऑप्शन जो है वो सिक्स क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जाता था नोगाइ बॉज एंगल्स अगर आप चेक कर पाएंगे पहला क्वेश्चन कंपल्सरी उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स में से ठीक है कोई भी चार क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी आगे के पांच में से कोई भी चार क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करना था मतलब ये हुआ गाइस बहुत सारे स्टूडेंट जो है ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो थियरी जो है वो ऑप्शन के अंदर डालते थे क्यों ऑप्शन के अंदर डालते थे अगर आप चेक कर पाएंगे वन टू फाइव क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट कर लिया तो भी आपका पूरा पेपर कवर हो गया ठीक है ना लेकिन गाइज सिक्स क्वेश्चन जो है वो थियरी क्वेश्चन था बहुत सारे स्टूडेंट थेरी ऑप्शन में डालते थे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं था ओल्ड सिलेबस के अंदर लेकिन गाइस जैसे आपको पता है अब आपके पेपर के अंदर 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आने वाले हैं जो ओल्ड सिलेबस के अंदर नहीं थे जी हां आपने सही सुना ओल्ड सिलेबस के अंदर कॉस्टिंग के अंदर एमसीक्यूज नहीं पूछा जाता था अब आपको 30 मार्क्स का रफली जो है वो एमसीक्यूज पूछने वाले हैं और आपका अगर आप मॉड्यूल uh, चेक करेंगे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल चेक करेंगे ठीक है आई नो अभी तक आपके पास वो स्टडी मटेरियल नहीं पहुंचा है ठीक है लेकिन आप बी ओ एस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से अगर आप आपका स्टडी मटेरियल डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा जो एम सी क्यूज है हर एक टॉपिक के पीछे आपको जो है वो एम सी क्यूज दिया हुआ है एंड मैक्सिमम एम सी क्यूज जो क्वेश्चन है वो थेरी क्वेश्चन है जी, आपने सही सुना मैक्सिमम एम जो क्वेश्चन है वो आपके थेरी क्वेश्चन है बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर प्रैक्टिकल पूछने वाले हैं मतलब ये हुआ गाइज रफली 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 थर्टी मार्क्स का जो है वो अभी थेरी आने वाला है पहले अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मार्क्स का थेरी आता था अभी थर्टी मार्क्स का आपको थेरी करना है और बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हम लोगों को थेरी पढ़ना पड़ेगा बिकॉज एम आपको पता है कुछ भी कोई भी लाइन पे वो जो है वो एम पूछ सकते हैं ठीक है तो गाइज प्रिपरेशन करते वक्त नॉट ओनली प्रैक्टिकल इज इंपॉर्टेंट बट ऑल्सो गाइज जो थियरी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिना थियरी के आप 70 मार्क्स 80 मार्क्स 90 मार्क्स 95 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते तो पूरा जो आपका अप्रोच है वो अप्रोच चेंज होने वाला है राइट गाइज आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर है ये ओल्ड पैटर्न का जो है वो क्वेश्चन पेपर है जो गाइज पूरा चेंज होने वाला है थर्डी मार्क्स का जो है वो आपको एम पूछने वाले हैं ओके सो थेरी इज तोड़ इंपॉर्टेंट इन द न्यू सिलेबस जी हाँ सो गाइज बॉयज एंड गर्ल्स नेक्स्ट पार्ट पिछले अटेम्प्ट के अंदर अगर आप चेक कर पाएंगे पिछले अटेम्प्ट के अंदर मई 2018 जो पिछला सिलेबस था वो मई 18 से एप्लीकेबल था मे एटीन से लेके मे ट्वेंटी थ्री तक ठीक है एक और अटेम्प्ट बाकी है नवंबर ट्वेंटी थ्री ठीक है एक रफली पेपर पैटर्न समरी मैंने बना के रखा हुआ है अगर आप चेक कर पाएंगे बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर जो है हंड्रेड मार्क्स का प्रैक्टिकल पूछा जाता था ट्वेंटी फाइव मार्क्स का थी था रिसेंट एग्जामिनेशन में अगर आप चेक करेंगे नाइन्टी फाइव मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल पूछा था और थर्टी मार्क्स का थी सो so, बहुत सारे अटेम्प्ट के अंदर ट्वेंटी फाइव प्लस थी पूछा गया था ठीक है लेकिन अब जो है वो आपको कंपलसरी थर्टी मार्क्स का एमसीक्यू आने वाले हैं राइट गाइज सो थर्टी मार्क्स का तो मिनिमम हम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आपको थियरी अटेम्प करना है और वो कंपल्सरी होने वाला है नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे सिलेबस के अंदर गाइज अगला फाइव टू टेन मिनट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज फाइव टू टेन मिनट्स थोड़ा सा फोकस रखिएगा कॉसिंग सब्जेक्ट क्या है आपको कितना वो मार्क्स दिलाता था ठीक है आपके पूरे आठ या छः पेपर में से उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं गाइज अगर आप चेक करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट को 90 प्लस 80 प्लस मार्क्स ठीक है दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल हा गाइज अगले पांच मिनट में कुछ 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 रिजल्ट मैं आपको बताने वाला हूँ दीज आर वेरी लिमिटेड रिजल्ट बहुत डिटेल के अंदर जो रिजल्ट है वो लीज ऑलरेडी वेबसाइट पर पब्लिश है वी स्मार्ट के आप देख सकते हो नौ गाइज बॉज एंड गर्ल्स Uh, ये अटैम्प के अंदर आप चेक कर सकते हैं 94 का हाइस्ट था और ए आई आर एट थे ये मैम uh, वेदिका बंसल ठीक है इसके पिछले अटैम्प के अंदर 95 मार्क्स का जो है वो हाइएस्ट था uh, विराज बाफना अब गाइज uh, uh, अगर आप चेक कर पाएंगे कुछ मार्कशीट uh, आपके सामने हमारे स्टूडेंट के आप चेक कर सकते हो विराज बाफना ही स्कोर्ड 95 मार्क्स इन कॉस्टिंग आपके सामने है स्क्रीन पे नाइन्टी फाइव मार्क्स कॉस्टिंग है आप चेक कर सकते हो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कॉस्टिंग के अंदर इन्होंने स्कोर किया हुआ है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेदिका जी अभी जो मैंने आपको बताया था ए रैंक जिनका आया था नाइनटी मार्क्स जो है वो इनको कॉस्टिंग के अंदर है ठीक है जस्ट uh, एक सेकंड में इंटरप्ट करता हूं ऐप के अंदर लेक्चर नहीं चलेंगे पहले दस जो लेक्चर है वो ओपन लेक्चर है यूट्यूब के अंदर है ऐप पे वो लेक्चर नहीं चलेगा दस लेक्चर के बाद जो है वो ऐप पे लेक्चर चलने वाले है। तो पहले दस लेक्चर टेंशन ना लो गाइस आप जो है वो यूट्यूब पे पूरे फ्री लेक्चर से वो आप देख सकते हो ठीक है सो so, किसी का क्वेरी आया था इसलिए मैंने वो एक्सप्लेन किया ओके गाइज सेकेंड था वेदिका जी वेदिका जी को भी ऑलमोस्ट हाइएस्ट मार्क्स जो है वो कॉस्टिंग के अंदर है नाइन्टी मार्क्स ठीक है नेक्स्ट जिनका ए आर था आगे नेक्स्ट एक और रिजल्ट हम लोग चेक कर लेते सौरव रंधीर करके है आई थिंक सो 88 मार्क्स कुछ इनको कॉस्टिंग uh, के अंदर है और सारे सब्जेक्ट के अंदर आप चेक कर सकते हो सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है वो कास्टिंग के अंदर दिया हुआ है और इनका ए आई आर था नेक्स्ट एक और रिज़ल्ट देखते आप बोलेंगे सर अरे सर ये रैंकर के रिज़ल्ट मत बताओ सर ये रैंकर तो नेक्स्ट लेवल के रहते हैं ठीक है तो गाइज एक और वही अटेम्प्ट का एक रिज़ल्ट बता देता हूँ सर जी सार्थ जी है इनका एक रिज़ल्ट है इनको भी 88 मार्क्स जो है वो कॉस्टिंग के अंदर था और आप चेक कर सकते हो हाईएस्ट मार्क्स जो है वो कॉस्टिंग के अंदर है ठीक है एंड गाइज आप चेक कर सकते हो सेकेंड ग्रुप के अंदर वन मार्क्स है कितना मार्क्स है वन मार्क्स है बाईस मार्क्स का सेट ऑफ है एंड गाइज कॉस्टिंग के अंदर एटी मार्क्स है बाकी आप मार्क्स चेक कर सकते हो फोर्टीज़ में काफ़ी सारे मार्क्स है तो ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है ठीक है वरद कुलकर्णी जो एक और स्टूडेंट है फेस टू फेस बैच के स्टूडेंट है एटी सेवन मार्क्स तो हाइएस्ट मार्क्स है आ, सारे सब्जेक्ट में इसके बाद सिद्धांत मेहता पुणे के प्रेस्टिज पॉइंट पे फेस टू फेस बैच के स्टूडेंट है आई थिंक सो एटी सिक्स मार्क्स है इनको भी हाइस्ट मार्क्स है कॉस्टिंग के अंदर ठीक है अश्विनी सरोदे जी हा एटी मार्क्स है कास्टिंग के अंदर ए आई तो गाइज आप चेक कर सकते हो कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट जो है इसके अंदर स्टूडेंट को बहुत अच्छा स्कोर आता है बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है लेकिन ये जो है वो पिछले जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं उनके कुछ रिजल्ट है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को एग्जामेशन आए बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जामशन आए आपके सामने कुछ कुछ सम फ्यू एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है सो so, आपको पता चले कि ये सब्जेक्ट बहुत आपको पढ़ाई कैसे करना है और आपको कैसे मार्क्स देगा तो गाइज़ एक ही बात आप ध्यान से सुनिएगा सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके आपको यहाँ पे 80, 90, 95, 98 एट मार्क्स नहीं मिल सकता आपको जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा थियोरी को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा एम को तो हम लोग हमारे लेक्चर के अंदर गाइज मैं आपको बता दूँ मोर देन जी हाँ मोर देन 750 हंड्रेड एंड फिफ्टी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो क्लास के अंदर सॉल्व करने वाले हैं जी हाँ आपने सही सुना मोर देन 750 हंड्रेड एंड फिफ्टी क्वेश्चन जो है वो हम लोग क्लास के अंदर सॉल्व करने वाले हैं मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग क्लास के अंदर सॉल्व करने वाले अब आपके नोटबुक के अंदर सॉल्व करने वाले हैं ठीक है एंड थियोरी भी क्लास के अंदर ही लेक्चर्स के अंदर ही कवर होएगा एम सी क्यूज़ भी लेक्चर के अंदर ही कवर होएगा उसके लिए आपको कोई सेपरेट वीडियो नहीं देखना है जैसे ही टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक की थियरी वो टॉपिक के एम सी क्यूज भी हम लोग टॉपिक के साथ साथ कंप्लीट करने वाले हैं आई होप सो आई थिंक सो दिस पॉइंट इज एब्सोल्यूटली क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू ठीक है और आपका जो नोट्स है इसके अंदर जी हाँ आपके जो नोट्स है उसके अंदर पूरा आपका मॉड्यूल पास्ट एग्जामिनेशन आर टी पी एम टी पी सब कुछ पूरा कवर है अपने नोट्स के बाहर आपको कुछ भी कवर यानी क्वेश्चन ही नहीं मिलने वाला है मैक्सिमम कवर किया हुआ है तो ये था गाइज एक इंट्रोडक्शन एक स्टार्टिंग का पार्ट जो हम लोगों ने कवर किया कि भाई कॉस्टिंग सब्जेक्ट क्या है सेवेंटी मार्क्स का थर्टी मार्क्स का जो है वो आपको एमसीक्यू आने वाले हैं ठीक है और बाकी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है जैसे जैसे इंस्टीट्यूट का गाइज नोटिफिकेशन आते जाएगा वैसे वैसे और जो है पेपर पैटर्न के अंदर क्या क्या चेंजेस किया है वो मैं आपको बताते चलूंगा नाउ गाइज बॉयज एंड गर्ल्स अब जो है इस रिगार्डिंग अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ डिस्कशन किया है इस रिगार्डिंग अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं जी हां इस रिगार्डिंग गाइस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोर्स के रिगार्डिंग मेरे लेक्चर के रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरी है तो आप बताइएगा अगर क्वेरी नहीं है तो वी आर गोना स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट ठीक है टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा बेसिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं सो so, फटाफट फड़ से गाइस मैं आपके जो कमेंट है वो पढ़ रहा हूं अगर आपको कुछ क्वेरी है आपको डिटेल में कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं जी हाँ वेरी गुड यस जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर बुक्स कब से आ, कब तक आ, मिल, मिल जाएगा 20 अगस्त के बाद आपको जो है वो बुक्स डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएगा विद इन अ वीक आपको बुक्स मिल जाएगा जी हाँ डेली लेक्चर होगा जी हाँ बिल्कुल जो लेक्चर है वो डेली लेक्चर रहेगा लाइव लेक्चर रहेगा पहले दस लेक्चर जो है वो आपके लाइव यूट्यूब पे रहेंगे अगले जो लेक्चर है वो सॉफ्टवेयर के अंदर लाइव रहेंगे एक भी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं रहेगा सारे के सारे नए फ्रेश लेक्चर जो है वो हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं जी हाँ इज दर एनी अदर क्वेरी गाइड आप पूछ सकते हो फटाफट से जी हाँ डाउट कैसे सॉल्व होंगे अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो या फिर फेस टू फेस बैच के जो स्टूडेंट है वो इमीजिएटली जो लेक्चर है तभी आपके डाउट जो है वो कंप्लीट होएगा क्लियर होएगा बाद में अगर आपको डाउट आता है या फिर आप गूगल ड्राइव पेन ड्राइव के स्टूडेंट हो तो टेंशन लेने का नहीं गाइज़ आपको आ, जो नोट्स है उसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे आप डाउट पूछ सकते हो विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स हम लोग ट्राई करते हैं आपके सारे के सारे जो डाउट्स है वो सॉल्व किया जाए और एक बात गाइज टेलीग्राम चैनल भी रहेगा जैसे आप एडमिशन का वगैरह प्रोसेस कंप्लीट होएगा वैसे वैसे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा वहाँ पे भी आप जो है वो डाउट पूछ सकते हो उट अबाउट द डाउट जी हाँ नोटबुक कैसी होगी जी हाँ जैसे मैंने आपको बताया आपको तीन बुक्स मिलेंगे एंड गाइज मेरे लेक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपको सेवन फिफ्टी क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है आपको फॉर्मेट ड्रॉ करके सॉल्व करने का है प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट नहीं रहेगा ऐसा नहीं रहेगा कि मैंने बुक्स के अंदर सारे फॉर्मेट दिया है बस आपको फिल इन द ब्लैंक करना है जी नहीं सर आप आपके नोट्स के अंदर जो है आपके नोटबुक के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम लोग पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करने वाले हैं अच्छे से लिखने वाले हैं अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं तीन बुक्स मिलेगा क्लास वर्क वन क्लास वर्क टू एंड कंसेट बुक जो है वो आपको मिलने वाला है क्लास वन एंड क्लास टू जो फर्स्ट एंड सेकेंड बुक्स है उसमें सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चनस रहेंगे जिसका सोल्यूशन आप, आपके हैंडराइटिंग में आपके नोटबुक में लिखने वाले हैं एमसीक्यूज भी फर्स्ट एंड सेकंड बुक के अंदर रहेंगे तीसरा बुक जैसे मैंने आपको बताया वो आपका कंसेप्ट बुक है जी हाँ। जी हाँ, जी लिंक जो है वो यूट्यूब पे रहेगा जैसे मैंने आपको बताया पहले दस लेक्चर ओपन लेक्चर है लेक्चर जैसे ही रिकॉर्ड होएगा देर आर नो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर ये सारे फ्रेश लेक्चर है इसलिए गाइज आपको जो है वो यूट्यूब पे मिलेगा ठीक है तो पहले ही उसका लिंक अवेलेबल नहीं है ओके okay. चलो सो गाइज बॉज एंगल्स आई होप सो आपकी क्वेरीज जो है वो स्टार्टिंग सो बेसिक जो क्वेरीज था वो हम लोगों ने कवर किया हुआ है अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं ठीक है फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है चेक कर लेते हैं फर्स्ट टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जी आ गाइज बहुत जंकल्स पहले टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गाइज कॉस्ट क्या है कॉस्टिंग क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है ठीक है इसके बाद सर जी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या है वेरिएबल कॉस्ट क्या है फिक्स कॉस्ट क्या है ठीक है फ्लेक्सिबल ठीक है सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है सो so, ये क्लासिफिकेशन होएगा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है तो गाइज अगले जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है उसका बेस जो है वो हम लोग फर्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करेंगे फर्स्ट टॉपिक में मैक्सिमम 80 परसेंट जो है वो थियरी रहता है 20 परसेंट जो है वो प्रैक्टिकल रहेगा ठीक है. है जी का गाइज जैसे मैंने आपको बताया ये टॉपिक के अंदर 80 परसेंट थियोरी है आई रिपीट 80 परसेंट थियरी है परसेंट प्रैक्टिकल है आज हम लोगों को कुछ भी प्रैक्टिकल पार्ट कवर नहीं करना है प्रैक्टिकल जो है वो कल के लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल रहेगा ठीक है।, है बाकी पूरा हम लोगों को बेसिक थियरी ये टॉपिक के अंदर हम लोगों को कवर करना है ओके नाउ गाइज ये जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मे ट्वेंटी तक अगर आप चेक कर पाएंगे सारे के सारे थियेरी क्वेश्चन पूछे गए एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर पूछा नहीं है मिनिमम फाइव मार्क्स का वेटेज है मैक्सिमम दस मार्क्स का वेटेज यानी ये टॉपिक पे थियोरी भर भर के इंस्टीट्यूट पूछता है ठीक है तो हमारे जो न्यू सिलेबस है न्यू सिलेबस में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो है वो फर्स्ट टॉपिक के अंदर मिलने वाले गाइस तो ये एक थोड़ा सा थियोरटिकल टॉपिक है चलिएगा बढ़ते हैं आगे गाइस नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो सबसे पहला बेसिक सिंपल कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट है आपका कॉस्ट जी हाँ एकदम सिंपल डेफिनेशन है आज तक कॉस्ट कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग ये जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं आज तक कभी भी एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया है बस हम लोग क्यों पढ़ रहे गाइज सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कॉस्ट क्या है कॉस्टिंग क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है ठीक है गाइस सो so, रट्टा मारने का नहीं है पहले ही मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है अपना कॉस्ट मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं फटाफट फड़ से आंसर चाहिए सर जी कॉस्ट क्या है कॉस्ट इज मॉनेटरी सैक्रीफाइस इज डन टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव जी हाँ सर जी मॉनेटरी सेक्रीफाइस इज डन एक्सपेंडिचर इनकर टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव यहां पे कॉस्टिंग के अंदर हमारे दो ही ऑब्जेक्टिव है आइदर यू आर अ मैन्युफैक्चरर और यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर जैसे मैं लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूं तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं या फिर कोई मैन्युफैक्चरर हो सकता है कोई गुड्स बना रहा है तो गाइज डेफिनेशन क्या है कॉस्ट इज मॉनेटरी सेक्रीफाइस इज डन टू अचीव ऑब्जेक्टिव दो ही ऑब्जेक्टिव है आइदर टू मैन्युफैक्चर द गुड्स और प्रोवाइड द सर्विस ठीक है अब मेरा पहला क्वेश्चन इस बैच का आपका पहला क्वेश्चन है फटाफट फड़ से गाइज आपके आंसर में एक्सपेक्ट कर रहा हूं सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यह है गाइज आपने सीए सीपीटी क्लियर किया हुआ है एग्जाम आपने क्लियर किया हुआ है ठीक है आपका ऑब्जेक्टिव क्या था ऑब्जेक्टिव वॉज टू क्लियर सी ए सी पी टी एग्जामिनेशन ओके अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये सी पी टी का एम ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपने मॉनिटरी सेक्रीफाइजेस क्या क्या किए हैं ठीक है आपको क्या क्या कॉस्ट लगा हुआ है आपको क्या एक्सपेंडिचर लगा हुआ है प्लीज आप ये मुझे बताएंगे फटाफट -फड़ से बताएंगे बहुत मजा आएगा लेक्चर इंटरेक्टिव होने वाला है जी हाँ चलो फटाफट फड़ से जल्दी से आंसर दीजिएगा सर आपने सी ए सी पी टी कंप्लीट किया है तो आपने कॉस्ट क्या क्या इनकर किया हुआ है आपको क्या क्या मॉनेटरी सेक्रीफाइज झेलना पड़ा है टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव जी हाँ ओके सबसे पहले जी हाँ यशराज जी ने मुझे आंसर दिया सर हमने जो है वो कोचिंग फीस बहुत भर भर के दिया है सबसे हाईएस्ट जो है पचास हज़ार साठ हज़ार सत्तर हज़ार जो है वो हम लोगों ने कोचिंग फीस दिया हुआ है एकदम परफेक्ट आंसर है ठीक है इसके बाद सर हम लोगों को इनकर हुआ है ट्रैवलिंग के एक्सपेंडिचर ठीक है ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर इसका मतलब क्या है आपके क्लास तक घर से क्लास तक जाने का क्लास से घर तक आने का या फिर एग्जामिनेशन सेंटर जाने का आने का लाइब्रेरी जाने का आने का ट्रैवलिंग का एक्सपेंडिचर आपको लगा है वो आपकी कॉस्ट है चलो आ रहे आ रहे आंसर आ रहे सर जी क्लासेस का एक और आंसर आया हुआ है सर जी हम लोगों ने बुक्स परचेज किया है जी हाँ बुक्स इज आवर मॉनिटरी सेक्रीफाइज डन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव नोटबुक सर हमने भर भर के बहुत सारे नोटबुक परचेज किए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था तो नोटबुक का खर्चा स्टेशनरी का खर्चा ये हमारा मॉनेटरी सेक्रीफाइजेस है इंटरनेट का कॉस्ट जी हाँ सर हम लोगों ने लेक्चर जो है वो ऑनलाइन परचेज किए थे हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग में लेक्चर कर रहे थे तो हम लोगों को टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट की टेस्ट जा, का खर्चा हम लोगों ने किया है रजिस्ट्रेशन फीस सर देखो ना जो मेन एक्सपेंडिचर है वो सबसे आखिरी आ रहा है अरे सर अपनी जो भगवान है हमारी जो इंस्टीट्यूट है ठीक है ना वहां पे डोनेशन दिया ना भाई सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का फीस आपने पे किया रहेगा उसके बाद आपने पे किया रहेगा गाइज एग्जामिनेशन फीस ठीक है तो भाई साहब इंस्टीट्यूट को भूल के कैसे चलेगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस चलो ठीक है नेक्स्ट वन एकोमोडेशन इफ एनी वेरी गुड कुछ लोगों को एकोमोडेशन का भी एक्सपेंडिचर लगा हुआ है एकोमोडेशन का मतलब ये हुआ सर हम लोग हॉस्टल में रहते थे ठीक है मजे करते थे हॉस्टल लाइफ एंजॉय किया हॉस्टल की फीस हमने भरा हुआ है वेरी गुड आईसीए का फीसे एग्जाम एग्जाम फॉर्म भरा है और ऊपर से थोड़ा और डोनेशन भी दिया इंस्टीट्यूट को एग्जामिनेशन फीस विथ लेट फीस भी दिया हुआ है चलो ठीक है कंसेप्ट आ रहा है आपको अभी सो गाइज हमने सबसे पहला कंसेप्ट क्या देखा है हमने सबसे पहला कंसेप्ट देखा है गाइज कॉस्ट कॉस्ट क्या है मॉनिटरी सेक्रीफाइज इज डन टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैन बी टू मैन्यूफैक्चर द गुड्स और प्रोविजन ऑफ द सर्विस चलो ठीक है गाइज अब आपको सेकेंड क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेकेंड क्वेश्चन ये गाइज मैं आपको कोचिंग का सर्विस दे रहा हूँ ठीक है मैं आपको जो है वो ट्रेनिंग का सर्विस दे रहा हूँ अब ये सर्विस देते वक्त मैंने क्या क्या मोनिटरी सेक्रीफाइज किया रहेगा या फिर मैं इन फ्यूचर में क्या क्या मॉनिटरी सेक्रीफाइजेस करने वाला हूँ ये क्लास देते वक्त ये कोचिंग देते वक्त ये ट्यूशन देते वक्त मेरा क्या क्या एक्सपेंडिचर लगने वाला है मेरा क्या क्या कॉस्ट लगने वाला है इसका प्लीज आप मुझे आंसर फटाफट -फड़ से जल्दी से आंसर दीजिएगा मैं सर्विस ट्यूशन का क्लासेस का सर्विस क्या क्या मॉनेटरी सेक्रीफाइस होने वाले हैं इसका आंसर आपको देना है गाइस ये आंसर फटाफट फड़ से दीजिएगा क्योंकि एंड में इसकी सब समरी आने वाली है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर जी हाँ आई विल रीड ओके 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 मैं क्या बात है एक खुंखार एंसर आया है सर आप आपका समय दे रहे हो टाइम uh, दे रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है चलो ठीक है सर जी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट फटाफट फड़ से जी हाँ सॉफ्टवेयर का खर्चा है मैनेजमेंट का कॉस्ट है वेरी गुड ऑफिस के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो मार्केटिंग कर रहे हैं एडमिशंस ले रहे हैं मैनेजमेंट का खर्चा लग रहा है मुझे प्रिंटिंग की कॉस्ट लगने वाली है नोटबुक या फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी मुझे लगने वाला है वेरी गुड एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट मुझे लगने वाली है शाबाज कैमरा जी हाँ ये जो कैमरा है जिसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है उसका डिप्रिसिएशन आएगा ठीक है उसके बाद इंटरनेट टेली के एक्सपेंसिस मुझे लगने वाला है वेरी गुड उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वेरी गुड ठीक है सो यहाँ पे जो भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है या फिर एयर कंडीशनिंग लगा हुआ है उसका जो डिप्रिसिएशन है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये मुझे लगने वाला है सो डिजिटल सेटअप का खर्चा है रेंट क्ला क्या बात है कुछ बंसल जी है जो मुझे बराबर बता रहे हैं सर क्लासरूम अगर आपका रेंट पर रहेगा ऑफिस अगर आपका रेंट पर रहेगा तो आपने रेंट पे किया रहेगा स्टूडियो के एक्सपेंडिचर वेरी गुड सर अगर आप स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते रहेंगे तो स्टूडियो का रिपेयर आ गया स्टूडियो का मेंटेनेंस आ गया स्टूडियो की इलेक्ट्रिसिटी आ गई स्टूडियो के इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन आ गया स्टूडियो के फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आ गया वेरी गुड चलो जल्दी गाइज और 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 मुझे चाहिए सर ट्रांस ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ठीक है घर से क्लासरूम या फिर मेरे ऑफिस से क्लासरूम आने का जो भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो मुझे लगने वाला है सो so, गाइस वेरी गुड लीगल कंप्लायंस कॉस्ट चलो ठीक है लीगल कॉस्ट भी मुझे लगने वाली है ठीक है सॉफ्टवेयर का खर्चा आपने बताया सीरियल की का खर्चा बताया जैसे मैंने आपको बताया दस लेक्चर के बाद हम लोग जो है वो एनक्रिप्टेड लेक्चर करने वाले और एनक्रिप्टेड लेक्चर के अंदर आपको पता है सीरियल की लगेगा सीरियल की के चार्जेस मुझे पे करना पड़ता है वेरी गुड गाइस चलो ठीक है आईपैड एक्सपेंसेस वेरी गुड कौन है ये आदित्य जी बोल रहे हैं सर आपका ये जो टैबलेट है ओके okay. आई डोंट हैव आईपैड मेरे पास अच्छे से एक टैबलेट है लिनोवो का तो उसका जो है वो डेप्रिसिएशन आएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस वेरी गुड चलो ठीक है अगेज खुश सो so इतने जो है वो मुझे एक्सपेंडिचर लगने वाले हैं वैसे ही अगर मैं मैनुफैक्चर रहूँगा ठीक है एक लास्ट में समर रही करता हूँ फिर अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइज इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस स्टाइलस पेन अगर मैं ये स्टाइलस पेन का मैन्युफैक्चरर रहूँ तो मुझे क्या क्या कॉस्ट लगेगा मैन्युफैक्चर करने के लिए सेल करने के लिए सबसे पहले मटेरियल लगेगा लेबर लगेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ लगेंगे सर जी फैक्ट्री का रेंट लगेगा फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस लगेगा ठीक है सर मार्केटिंग प्रमोशन एक्सपेंसेस मुझे लगेगा ठीक है पैकिंग एक्सपेंडिचर लगेगा ओके वेयरहाउस गोडाउन के खर्चे लगेंगे मुझे स्टोर रूम के खर्चे लगेंगे सैलरी लगेगी डायरेक्टर का सैलरी लगेगा ऑफिस अकाउंटेंट की सैलरी लगेगी क्लर्क की सैलरी एन नंबर ऑफ़ एक्सपेंडिचर जो है वो मुझे लगने वाला है टू मैन्युफैक्चर दिस पेन ओके सो पहला कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से कवर किया है बहुत ही सिंपल सा ये कंसेप्ट था और कंसेप्ट था सर जी आपका कॉस्ट कॉस्ट क्या है मॉनिटरी सेक्रीफाइज डन टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दो तरीके का आइदर यू आर अन्यूफैक्चर ऑफ द गुड्स और अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस चलो बहुत हो गया सेकेंड कंसेप्ट की तरफ चल रहे सेकेंड कंसेप्ट है कॉस्टिंग एकदम सिंपल इसका डेफिनेशन है टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट जी हा नाम क्या जी

और वो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सर समझने के लिए एकदम सिंपल कॉस्ट अकाउंटिंग कहां पे तो भी स्टार्ट हुआ है और कहां पे खत्म हुआ है याद रखना दो पॉइंट के अंदर है कहां पे, तो पे खत्म हुआ है तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कहां पे हुआ है सर इट स्टार्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर वेरी गुड सर जी बिगेन कहां पे हुआ है ये स्टार्ट कहां पे हुआ है सर आपने जो खर्चे लगे हुए या आपका जो इनकम है वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है ठीक है और सर जी खत्म कहां पे होता है सर स्टार्ट कहां पे हुआ है आपने रिकॉर्ड किया आपके खर्चे आपकी जो कॉस्ट है आपका जो इनकम है वो आपने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है और खत्म कहां पे हुआ है सर पीरियोडिकली आपको स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और फटाफट से गए अगर आपका ध्यान था फर्स्ट पार्ट के अंदर Posting के अंदर हम लोग कौन सा पीरियोडिकल डॉक्यूमेंट बनाएंगे कौन सा स्टेटमेंट बनाएंगे अगर आपका ध्यान रहेगा तो आपको आंसर आएगा जी हाँ मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले टॉपिक डिस्कस करते वक्त आपको यह पॉइंट बताया था

कॉस्टिंग स्टार्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ था भाई रिकॉर्ड किया मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर खत्म हुआ पीरियोडिकल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए रिपोर्ट प्रिपेयर किए किसके लिए रिपोर्ट प्रिपेयर किया क्यू स्टेटमेंट प्रिपेयर किया फॉर एसरटेनिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट एसरटेनिंग दंट्रोलिंग द कॉस्ट कॉस्ट एसरटेन करने के लिए एंड कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए ये सारा एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट किया है सो so, तीन डेफिनेशन यहां पे हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है सबसे पहला कॉस्ट cost था कॉस्टिंग था कॉस्ट मैंने दो तीन बार रिपीट किया अब मैं कॉस्टिंग बता देता हूं टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है बच्चों स्टार्ट हुआ खत्म हुआ स्टार्ट कहां पे हुआ रिकॉर्ड किया क्या रिकॉर्ड किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप लोगों ने रिकॉर्ड किया और खत्म कहां पे हुआ पीरियोडिकल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट आपने प्रिपेयर किए अरे भाई ये रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करना है फॉर एसरटेनिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट कॉस्ट एसरिटेन करने के लिए भाई ये जो पेन है ये मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना कॉस्ट लगा वो एसरिटेन करना है ठीक है एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट जी हाँ सो ये तीन डेफिनेशन हम लोगों ने यहां पे बहुत अच्छे से जो है वो कंप्लीट किए हैं। अब गाइस, अकाउंटिंग के अंदर अपना नॉर्मल अकाउंट जो आपने इलेवेंथ के अंदर ट्वेल्थ के अंदर फाउंडेशन के अंदर जो नॉर्मल अकाउंट्स आपने किया हुआ है उसके अंदर और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है एक खूंखार एग्जाम्पल आपके सामने देता हूं आपको वो एग्जाम्पल अगर समझ गया तो कॉस्टिंग क्या चीज है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाली है ऑगेज okay, सो so, पूरा ध्यान दीजिएगा गाइज मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूं जी हाँ सपोज गाइज बॉयज एंड गर्ल्स ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का मेरे फैक्ट्री का ठीक है ये मेरे फैक्ट्री का स्टेटस है आप अगर चेक कर पाएंगे मैंने सेल किया है पांच लाख रुपए का कितने का सेल किया मालिक मालिक पांच लाख रुपए का सेल है मुझे कॉस्ट कितना लगा हुआ है चार लाख रुपए का कॉस्ट लगा हुआ है जी आप मुझे कॉस्ट कितना लगा हुआ है चार लाख रुपए का कॉस्ट लगा है तो मेरा प्रॉफिट कितना है एक लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट है अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं प्रॉफिट अपॉन सेल्स एक लाख डिवाइडेड बाय पांच लाख ट्वेंटी परसेंट आता है ठीक है या फिर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट अगर मैं करता हूँ चार लाख तो ट्वेंटी फाइव परसेंट का मुझे प्रॉफिट आ रहा है सर लगभग लगभग सेल्स पे ट्वेंटी परसेंट एंड गाइज हमारा जो कॉस्ट है उस पर पच्चीस टक्के का प्रॉफिट आया अब गाइज आपको क्या लगता है ये मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे परफॉर्म कर रही है मैं कुछ आपको बेसिक डेटा दे देता हूँ ये जो चार लाख रुपए का मैंने खर्चा किया है ये मैं फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर डालता था इसका अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता था तो मुझे गाइस एक छः टक्का सात टक्का आठ टक्के का रिटर्न मिलता था ज़्यादा से ज्यादा ठीक है सर इसको अगर मैंने शेयर्स में डालता था म्यूचुअल फंड के अंदर डालता था दस बारह टक्के का रिटर्न आता था ठीक है सर इसको अगर रियल इस्टेट के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया रहता चार लाख तो मुझे बारह पंद्रह का रिटर्न आता था लेकिन ये चार लाख रुपए जो है मैंने मेरे बिजनेस के अंदर डाले हुए कॉस्ट इनकर किया हुआ है मुझे ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट का लगभग से मुझे रिटर्न आया हुआ है आपको क्या लगता है मेरा परफॉर्मेंस कैसा है सर जी हाँ आपको क्या लगता है मेरा परफॉर्मेंस कैसा है गुड परफॉर्मेंस एवरेज परफॉर्मेंस ठीक है ठीक ठाक है सर क्या लगता है सर आपको बस इतना ही डेटा आपके पास है ये अकाउंटिंग का डेटा है सर आप जो इलेवन ट्वेल्थ फाउंडेशन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना उसका एक समरी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है सेल दिया हुआ है कॉस्ट दिया हुआ है और सर बचा कुछा मेरा प्रॉफिट है तो आपको क्या लगता है सर प्लीज़ आप आंसर दीजिएगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो कैसे परफॉर्मेंस है अगर मैं फिक्स डिपॉजिट बताया ना सर आपको फिक्स डिपॉजिट का सात आठ टका शेयर्स का दस बारह टका रिटर्न था रियल इस्टेट का पंद्रह टका यहाँ पे बीस पच्चीस परसेंट का रिटर्न मैं ले रहा हूँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन से तो कैसा है सर जी हाँ एज़ कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट इट इज़ अ बेटर परफॉर्मेंस चलो वेल well परफॉर्मेंस अच्छा आप बता रहे हैं कि सर अच्छा चलो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है सर वेल परफॉर्मेंस है हाँ फिक्स डिपॉजिट करते थे तो बहुत कम पैसा मिलता था यहाँ पे आपको 20-25 परसेंट का रिटर्न मिल रहा है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है गुड परफॉर्मेंस है आदित्य बोले वेरी गुड जी हाँ रीज़नेबल प्रॉफिट है सर्वाइवल के लिए ऐसे भी मुझे आंसर आ रहे हैं ओके तो प्रॉफिट रीजनेबल है गुड परफॉर्मेंस है चलो ठीक है लगे हाथ ओके okay, आप मुझे इतने सारे आंसर दे रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं अब आप मुझे ये तो बता दीजिएगा ना सर मुझे कुछ डिसीजंस लेने हैं मेरे बिजनेस के मैं क्या डिसीजन लूँ ऐसे ही कुछ भी आपको जो दिमाग के अंदर आ रहे हैं ना वो डिसीजन दो ये भी चलेगा मुझे सर बंद कर दो दुकान आपकी ये भी आप डिसीजन मुझे दे सकते हो क्या लगता है सर ये मुझे मुझे थोड़ा प्रॉफिट बढ़ाने का है वगैरह वगैरह तो आपको क्या लगता है आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे सर कुछ डिसीजन दो ना सर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो सर जी ठीक है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो समझ लो मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा मेरे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा जी हाँ ओके ओ पंकज जी मुझे बोल रहे हैं सर आपने जो प्रॉफिट अर्न किया हुआ है वो पैसा आपके बिजनेस के अंदर ही डाल दो ओके okay, ये जो पैसा आप कमा रहे हो एक लाख रुपए का प्रॉफिट है वो वापस बिजनेस में ही आप डाल दो तो ठीक है चलो और क्या होगा ओके okay, मुझे यश जी ने एक आंसर दिया है सर आप आपका जो आउटपुट है आपका जो सेल है वो सेल इंक्रीज करो इन्होंने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया सर सेल बढ़ाओ अच्छा सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ सकता है वेरी गुड चलो आउटपुट इंक्रीज करो और दो स्टूडेंट ने मुझे आंसर दिया कि सर आपका ये जो आउटपुट है आप जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है ठीक है वो और ज्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कीजिएगा चीज कल बिट ऑफ लोन फॉर इन्वेस्टमेंट चलो ठीक है एक और बोल रहे है कि सर थोड़ा लोन लीजिएगा और पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है सर आपको ओके okay. ओके uh, okay. uh, कुछ स्टूडेंट बोले सर आपने आपका बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए ठीक है क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा है एंड आप आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं चलो तो मुझे आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं लेकिन आप ही देख लो आपने जो आंसर दिए हुए हैं कि सर सेल बढ़ा दो कॉस्ट कम कर दो या फिर सर आप जो है बिजनेस कंटिन्यू करो ठीक है थोड़ा और इन्वेस्ट करो ये जो भी कुछ आपने जो आंसर्स दिए हुए ना वो वेग आंसर दिए हुए है एक ग्रॉस आंसर दिए कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया है ये आपका गलती नहीं है बिल्कुल सर यहाँ पे आपका गलती बिल्कुल नहीं है क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर तो यही होता था सर जी सेल का टोटल लिया जाता था एक्सपेंडिचर का टोटल लिया जाता था और प्रॉफिट आता था सर जी बस इतना तो होता था सर तो इससे हम लोग क्या डिसीजन दे सेल बढ़ा दो कॉस्ट कम कर दो और क्वांटिटी बढ़ा दो और इन्वेस्टमेंट करो नया मशीनरी लेके आओ और लोन लो सर तो इससे ज्यादा आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो अकाउंटिंग का ये लिमिटेशन है सर आप स्पेसिफिक डिसीजंस नहीं ले सकते Okays, अब कॉस्ट अकाउंटिंग में और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है एक जबरदस्त यही जो डेटा है ये अकाउंटिंग का है अब आपके सामने जो डेटा में दे रहा हूं वो कॉस्ट अकाउंटिंग का है सर वही है पांच लाख रुपए का सेल है चार लाख रुपए का मेरा कॉस्ट है एक लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट है प्रॉफिट का परसेंटेज भी वही है सर वही है लेकिन मैंने क्या कर दिया है कॉस्टिंग के अंदर मैंने सेपरेट कॉस्ट फाइंड किया है सेपरेट सेल फाइंड किया है प्रोडक्ट ए का प्रोडक्ट बी का प्रोडक्ट सी का प्रोडक्ट डी का अगर आप चेक कर पा रहे हो आपके सामने स्क्रीन पे गाइस प्रोडक्ट ए मैंने सेल किया वन लैख फिफ्टी थाउजेंड का कॉस्ट इनकर किया वन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड का पंद्रह हजार रुपए का मुझे लॉस आ रहा है प्रोडक्ट ए के ऊपर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट बी फिफ्टी थाउजेंड का सेल फिफ्टी थाउजेंड की कॉस्ट एंड प्रॉफिट जो है वो जीरो नो प्रॉफिट नो लॉस है ब्रेक इवन पे चल रहा हूं जीरो परसेंट का प्रॉफिट है इस प्रोडक्ट नंबर सी पे अगर मैं जाता हूं अगर आप चेक कर पा रहे हो प्रोडक्ट सी के अंदर वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का सेल है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड की मुझे कॉस्ट लगी हुई है थर्टी थाउजेंड का प्रॉफिट है ट्वेंटी परसेंट सेल पे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है सबसे खुंखार सबसे जबरदस्त वाला प्रोडक्ट है मेरा प्रोडक्ट डी अगर आप चेक कर पा रहे हो प्रोडक्ट डी का सेल वन लैख फिफ्टी थाउजेंड है प्रोडक्ट डी का जो कॉस्ट है वो सिक्सटी फाइव थाउजेंड है प्रॉफिट एटी फाइव थाउजेंड एंड गाइज प्रॉफिट परसेंटेज है फिफ्टी सिक्स सिक्सटी सेवन इन चारों प्रोडक्ट का मिला के इन चारों प्रोडक्ट का मिला के मेरा कंपनी का ये रिजल्ट है ठीक है गाइज बॉयज एंड गर्ल्स नाउ गाइज बॉयज एंड गर्ल्स सर आप अकाउंटिंग के अंदर इतना डिटेल वर्किंग नहीं करते थे यानी प्रोडक्ट ए की कॉस्ट सेपरेट नहीं सर अरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर टू सैलरी टू वेजेस टू एडवर्टाइजमेंट इसके बाद टू डेप्रिसिएशन सारे खर्चे टोटल आते थे सर प्रोडक्ट वाइज आप एक्सपेंडिचर नहीं लेते थे तो इसके वजह से आपको यह पता चलना बहुत ही गलत हो रहा था कि भाई ए का कितना प्रॉफिट है बी का कितना प्रॉफिट है सी का कितना प्रॉफिट है डी का कितना प्रॉफिट है वो आप कर सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जी हां कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपने पूरा सेपरेट किया है चार प्रोडक्ट का सेल कितना है चार प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है चारों प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना है और अब मुझे भर भर के आप करेक्ट रिलेवेंट एंड स्पेसिफिक डिसीजन दे सकते हो अब मैं आपके कमेंट के लिए रुक रहा हूं ठीक है आपको कमेंट करना है गाइस प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट डी एंड टोटल अब आपको जो है मेरी हेल्प करनी है मेरे बिजनेस की हेल्प करनी है आप मुझे कुछ डिसीजंस बताएंगे सर मैंने मेरे प्रोडक्ट के बारे में मेरे बिजनेस के बारे में स्पेसिफिक क्या क्या डिसीजंस लेना है मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स की अब आप स्पेसिफिक आंसर देंगे आप ही कमेंट चेक कर लेना थोड़ी देर पहले आपके कमेंट क्या थे और कितने स्पेसिफिक कमेंट अभी आप दे रहे हो जी हाँ मुझे सबसे पहला स्पेसिफिक आंसर आया है डी प्रोडक्ट का जी हाँ पंकज जी ने मुझे आंसर दिया सर डी जो है वो हाईएस्ट रिटर्न आपको दे रहा है सर तो डी हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है इसका मतलब सर आपने डी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए चलो ठीक है सो so, शुभम जी ने मुझे बहुत बड़ा आंसर दिया जबरदस्त आंसर दिया है सर ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आपने रखने चाहिए कम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो लॉस मेकिंग है उस पर थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए ठीक है उसका लॉस कम करना चाहिए उसमें कॉस्ट की सेविंग करनी चाहिए ठीक है हो 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 क्या बात है देखो कितना स्पेसिफिक आंसर दिया आई एम रियली इंप्रेस बाय शुभम सैंसर ठीक है शुभम जी ने बोला सर हायर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है जैसे प्रोडक्ट सी हो गया प्रोडक्ट डी हो गया सर उस पर अपन ने फोकस करना चाहिए वो मैक्सिमम सेल करना चाहिए जो लोअर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है उसका थोड़ा करो 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 रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसकी कॉस्ट कॉस्ट ज्यादा है कम करने की कोशिश फंक्शन फीचर थोड़ा बहुत कम करके कॉस्ट अगर सेव होती रहेगी तो देखो अदरवाइज डिसकंटिन्यू करो चलो वेरी गुड गाइज ओके सो यश जी ने मुझे एक जबरदस्त आंसर दिया सर स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ए ए का मैन्युफैक्चर करना बंद कर दो क्यों बंद कर दो क्योंकि ए के अंदर सर जी सेल कम है और कॉस्ट ज्यादा इनकर किया हुआ है तो गाईज अननेसेसरी हमारा लॉस हो रहा है हमारे कंपनी को उसका नुकसान हो रहा है तो बेटर ए डिसकंटिन्यू कर दो इसको बोलेंगे कंटिन्यू और शटडाउन डिसीजन वेरी गुड तो आपने बोला ए को डिसकंटिन्यू कर दो मैं आगे बताता हूं ए के जो भी कुछ रिसोर्सेस है ए को जो कॉस्ट लगाने वाले थे वो आप डी पे कॉस्ट लगा दो जिससे कि आपका सेल बहुत ज्यादा बढ़ेगा प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ेगा क्या बात है जी हाँ इसके बाद नेक्स्ट वन ए क्लोज करना चाहिए वो वापस एक बार आंसर आया है बाकी प्रोडक्ट कंटिन्यू करने चाहिए वेरी गुड बी की कॉस्ट रिड्यूस करनी चाहिए मुझे एक और जबरदस्त आंसर आए जो प्रोडक्ट बी है जिसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है उसकी कॉस्ट थोड़ी कम करने की कोशिश करो तो वो भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा चलो ठीक है नेक्स्ट वन ठीक है और अगर कुछ डेविएशंस वगैरह आ रहे हैं डिफरेंसेस आ रहे हैं कॉस्ट के अंदर तो वो आपको मैनेज करना है गाइस आर यू गेटिंग कि आपके ही आंसर के अंदर कितने ड्रास्टिक डिफरेंस आया है तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर गाइस हम लोग प्रोडक्ट की स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट का स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट का स्पेसिफिक जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ठीक है कॉस्ट जो है वो कंट्रोल करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव है सर जी हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का इज इट क्लियर गाइज इज इट क्लियर गाइज जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा इज इट क्लियर हां जी मैं वेट कर रहा हूं आपकी थोड़ा थोड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या करना है समझ में आया कॉस्टिंग के अंदर एक समरी रहता था कॉस्टिंग के अंदर समरी रहता था सॉरी अकाउंटिंग के अंदर समरी रहता था कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर डिटेल वर्किंग करने का है मालिक अपने को कॉस्ट लगा तो कौन से प्रोडक्ट को कितना कॉस्ट लगा सेल हुआ तो कौन से प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ प्रॉफिट हुआ तो कौन से प्रोडक्ट का कितना प्रॉफिट हुआ ये स्पेसिफिकली अगर हमें फाइंड करना है तो कॉस्ट अकाउंटिंग के पास जाना ही होगा जी क्लियर है वेरी गुड गाइस चलिएगा सो अब एक जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जी हाँ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग गाइस बॉयज एंड गर्ल्स कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है एंड लगेगा सर हमें ये क्वेश्चन आगे पहले तीन ऑब्जेक्टिव आपने ऑलरेडी मुझे बता दिया है पहला तीन ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल है जी सिंपली बात अगर करता हो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट ईच सर्विसेस ईच एक्टिविटी ईच प्रोसेस हर एक प्रोडक्ट का हर एक आपके सर्विसेज का अलग से कॉस्ट कैलकुलेट करना ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का हर एक प्रोडक्ट का हर एक सर्विसेज का सेलिंग प्राइस अलग से कैलकुलेट करना ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का हर एक प्रोडक्ट का हर एक सर्विस का प्रॉफिट अलग से आइडेंटिफाई करना ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का देखो कितना सिंपल कर दिया सर ये एग्जांपल से आप चेक कर सकते हो मालिक सबसे पहले क्या है आप चेक करो गाइस एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट हर एक यूनिट का हर एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट हर एक यूनिट का आपने सेपरेटली कॉस्ट कैलकुलेट किया है एसरटेन कॉस्ट ऑफ ईच जॉब ठीक है, इच ऑपरेशन ईच प्रोसेस ईच डिपार्टमेंट हर एक सर्विस तो अलग से कॉस्ट कैलकुलेट करो पॉइंट नंबर च्यू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेस सर जी कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है और कॉमन सेंस गाइस, सेलिंग प्राइस कैसे आता है एकदम कॉमन सेंस है कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस तो गाइज सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का तो गाइज कि कोई स्टूडेंट ने मुझे अभी आंसर दिया था सर ए है ए में थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो गाइज अभी अभी कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिया सर ए प्रोडक्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो तो सर ए में एक आप ऐसा भी आंसर देते थे कि सर ए के अंदर लॉस हो रहा है तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ाना पड़ेगा तो सर ये कब पता चलेगा जब आपके पास कॉस्ट रहेगी एक ही, तब ये पता चलेगा आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर है तीसरा एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी ईच प्रोडक्ट ईच सर्विसेज ठीक है हर एक प्रोडक्ट का हर एक सर्विसेज का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ठीक है तो पहला तीन पॉइंट सर बहुत ही सिंपल है नींद में से भी किसी ने भी अगर आपको पूछ लिया तो भी आंसर आएगा एक रहता है कॉस्ट कैलकुलेट करना हर एक प्रोडक्ट का हर एक सर्विसेस का दूसरा सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना और तीसरा जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना नेक्स्ट वन अगला पॉइंट एसिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग जी हां क्या बोला है वहां पे एसिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग सर आपने मुझे मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने में हेल्प किया है कोई स्टूडेंट बोला है सर कॉस्ट कम कर दो कॉस्ट कंट्रोल कर दो कॉस्ट रिडक्शन कर दो सेलिंग प्राइस चेंज कर दो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर दो नया इन्वेस्टमेंट करो नया मशीनरी परचेज करो सर आपने मुझे जो आंसर दिए वो क्या किया है सर आपने मुझे डिसीजन में हेल्प किया है सर आपने बोला डी का सेल बढ़ाओ आपने बोला बी का जो है वो कॉस्ट कम करो आपने बोला ए का सेलिंग प्राइस बढ़ा दो तो सर आप मुझे क्या बता रहे हो आप असिस्ट कर रहे हो मुझे डिसीजन लेने में तो चार पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया एक कॉस्ट असरटेन किया सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया प्रॉफिट असरटेन किया हर एक प्रोडक्ट का हर एक सर्विसेज का हर एक एक्टिविटी का ठीक है इसके बाद फोर्थ पॉइंट मैंने कवर किया मैनेजमेंट को हेल्प होनी चाहिए सर जैसे कि ये डेटा इससे मैनेजमेंट को हेल्प हुआ है डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चों ये भी आंसर किसी ने मुझे दिया था और वो है कॉस्ट कंट्रोल करना ये भी आंसर मुझे किसी ने दिया था सर कॉस्ट कंट्रोल करना डेविएशन फाइंड करो ऐसे कुछ सभी तो कुछ स्टूडेंट ने बताया था अब सुनो डिटेल के अंदर मतलब सेट करो जी हा आई रिपीट सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करो सेकेंड स्टेप एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड सेट करने के बाद आपको जो है वो एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा तीसरा स्टेप कंपेयर करो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट एग्जाम्पल देता हूं ध्यान से सुनना बच्चों सर स्टैंडर्ड कॉस्ट का ये सपोज स्टाइलस पेन है इसकी कॉस्ट लगनी चाहिए हंड्रेड ठीक है स्टैंडर्ड सेट किया सेकेंड स्टेप के अंदर एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करो ये पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए एक्चुअल कॉस्ट लगा सपोज हंड्रेड एंड टेन तीसरा स्टेप कंपेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन किया जाए और डेविएशन फाइंड करो वेरिएशन फाइंड करो डिफरेंस फाइंड करो उसको हम लोग बोलते वरायंस उसको कॉस्टिंग टर्म के अंदर क्या बोलते हैं सर जी कॉस्टिंग टर्म के अंदर हम लोग बोलेंगे वरायंस डेविएशन डिफरेंस सर कितने का डिफरेंस है स्टैंडर्ड कॉस्ट हंड्रेड का एक्चुअल कॉस्ट हंड्रेड का दस ज्यादा लग गए सर बरोबर है टेन तो रुपीज एक्स्ट्रा लग गए फिर क्या करें सर अगर कॉस्ट एक्स्ट्रा लग गया है तो एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल एंड टेक एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड सेट किया एक्चुअल कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपेरिजन किया कंपेरिजन करने के बाद डिफरेंस अगर है तो उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं वराइंस बोलते हैं डेविएशन बोलते हैं ठीक है वो आने के बाद सर मैनेजर एक्शन ले लो कुछ डिफरेंस कम करने के लिए तो ये था आपका कॉस्ट कंट्रोल के चार पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे सर जी और लास्ट पॉइंट है सर जी कॉस्ट रिडक्शन सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीरी क्वेश्चन हम लोग थर्ड लेक्चर के अंदर देखने वाले और वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन ठीक है अभी मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं इतना याद रखना कॉस्ट रिडक्शन रियल एंड परमानेंट है कंट्रोल टेम्पररी है अभी कॉस्ट कम करने की तो कुछ तो करो थोड़ा कम क्वालिटी का मटेरियल परचेस करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो करो लेकिन कॉस्ट रिडक्शन ना 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 रियल एंड परमानेंट है लॉन्ग टर्म अप्रोच है, cost cost control, है। so, guys, girls, आप ऑब्जेक्टिव मुझे बताएंगे बिना देखे वैसे तो आपके पास मैंने जानबूझ के नोट्स दिया नहीं है okay, आपके पास नोट्स मैंने दिया नहीं है तो आपके पास आंसर है नहीं अब जल्दी से आप मुझे बताएंगे सिक्स ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या क्या ऑब्जेक्टिव है पहले तीन बहुत सिंपल थे सर याद करो याद करो याद करो चलो रिकॉल करो बोलो गाइज फटाफट -फड़ से आपको आंसर देना है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट ईच एक्टिविटी ईच सर्विसेस सेकेंड क्या था सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है हर एक प्रोडक्ट का हर एक सर्विसेज का तीसरा पॉइंट क्या था सर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हर एक प्रोडक्ट का एंड हर एक सर्विसेज का फोर्थ पॉइंट याद आ रहा है सर जी फोर्थ पॉइंट क्या था सर मेरे जैसे मैनेजमेंट को हेल्प करनी है डिसीजन लेने के लिए तो इतना अच्छा डेटा प्रोवाइड किया जाए जिससे मैनेजमेंट को हेल्प होगी डिसीजन लेने में अब डिसीजन क्या लेना है कंटिन्यू शटडाउन डिसीजन ऑप्टिमम मिक्स डिसीजन कौन सा प्रोडक्ट कितना बेचना है एक्सपांशन डिसीजन नए मार्केट में एंटर करना है नए प्रोडक्ट में एंटर करना है ये सारे डिसीजन जो है वो हेल्प करेगा विद हेल्प ऑफ कॉस्ट 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 अकाउंटिंग अगले दो पॉइंट क्या है सर कंट्रोल कंट्रोल के अंदर विदिंग्रोल चार पॉइंट है कॉस्ट कंट्रोल के चार पॉइंट कौन सब से सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करना बोलते रहिएगा सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट किया सेकंड स्टेप के अंदर एक्चुअल कैलकुलेट किया तीसरे स्टेप के अंदर स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन किया फोर्थ स्टेप के अंदर अगर कुछ डेविएशन है अगर कुछ डिफरेंस है तो सर कुछ मैनेजरियल करेक्टिव एक्शन ले लीजिएगा जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाए एंड okay, लास्ट क्या था कॉस्ट रिडक्शन जो रियल है जो परमानेंट है जो लॉन्ग टर्म है वो कॉस्ट रिडक्शन करने की आपको सोचना है सो आई होप सो बिना रट्टा मारे आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं सर रट्टा नहीं चाहिए अपने को बहुत अच्छे से धीरे धीरे एक 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 छोटा छोटा कंसेप्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे सो so, आज हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया सर ठीक है टेंशन ना लो अभी लेक्चर बहुत बाकी है आगे थोड़ा और इंटरेस्टिंग आने वाला है डोंट वरी एट ऑल इसके बाद वाला पार्ट बहुत जबरदस्त रहेगा नौ गाइज हमने आज क्या सीखा कॉस्ट कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग एंड गाइज ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बस इतने ही चार हमने सीखे जी नेक्स्ट हाँ, पार्ट की तरफ आता हूं Sir, पूरे कॉस्टिंग का पूरे 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 पूरे, पूरे कॉस्टिंग का आगे जितने भी टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है ये जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर ये बेस है आपके कॉस्टिंग का अगर आपको याद आ रहा है गाइज हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ने वाला है आगे के टॉपिक थोड़ा थोड़ा अगर नाम याद आ रहा है सर मटेरियल कॉस्ट ये रहा मटेरियल कॉस्ट एम्प्लॉ कॉस्ट लेबर कॉस्ट ओवर ठीक है तो गाइज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉस्ट cost में कॉस्टिंग के ये सब्जेक्ट में जानना बहुत जरूरी है इसके बिना आगे का कोई भी टॉपिक में आपको लिंक नहीं लगेगा आगे okay, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट अब ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है ध्यान से सुनिएगा ये जो पेन मैन्युफैक्चर करना है ना स्टाइलस पेन मैन्युफैक्चर करना है जो जो कॉस्ट मुझे लगने वाली है जो जो कॉस्ट मुझे लगने वाली है सपोज मेटल लगा प्रोसेसर है इसके अंदर ठीक है आयरन एंड स्टील है इसके अंदर वर्कर लोग है वर्कर लोगों ने इस पे कुछ काम किया हुआ है फैक्ट्री के खर्चे है ऑफिस के खर्चे है सेल करने के लिए खर्चा लगा है तो गाइज बॉयज एंड गर्ल्स ये जो भी कुछ एक्सपेंडिचर आपको लगा है वो आपको क्लासिफाई करना है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर कॉस्ट के बेसिकली तीन एलिमेंट है कॉस्ट भूले तो नहीं सर कॉस्ट क्या है मॉनेटरी सेक्रीफाइस डन टू अचीव ऑब्जेक्टिव जो एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया हुआ है जो खर्चा आपको लगा हुआ है उसको आपको बेसिकली तीन कैटेगरी के अंदर कवर करना है पहले कैटेगरी क्या है मटेरियल कॉस्ट सेकेंड कैटेगरी एंप्लॉई कॉस्ट लेबर वर्ड यूज किया तो भी चलेगा लेबर कॉस्ट या फिर एम्प्लॉ कॉस्ट तीसरा क्या है एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, यानी मटेरियल एंड लेबर छोड़ के और अगर आपको कुछ खर्चा लगा है तो वो आएगा आपका एक्सपेंडिचर के हेडिंग के अंदर तो ब्रॉडली खर्चा तीन है ब्रॉडली खर्चा तीन है आधर आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मटेरियल लगा रहेगा या फिर लेबर का कॉस्ट लगा रहेगा या फिर एक्सपेंडिचर लगा रहेगा ठीक है।, है मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं छोटा सा छोटा सा अभी तक तो एक्सप्लेनेशन बाकी है फिर भी मैंने रेंट पे किया क्या पे किया मैंने फैक्ट्री का रेंट ऑफिस की रेंट पे की ठीक है ये जो रेंट मैंने पे किया है आप मुझे बताएंगे ये मटेरियल के अंदर आएगा ये लेबर के अंदर आएगा या ये एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा चलो ठीक है इतना बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा और आंसर एक्सपेक्ट करो और बहुत जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए मैंने क्या बोला मैंने रेंट पे किया फैक्ट्री का या फिर मैंने रेंट पे किया ऑफिस का या फिर मैंने सेल्स डिपार्टमेंट का रेंट पे किया अरे मेरे भाई ये रेंट क्या है मटेरियल है या लेबर है या एक्सपेंडिचर है चलो वेरी गुड एक्सपेंडिचर है ओ हो हो अभी तक भी एक भी गलत आंसर नहीं आया शाबाश बच्चो यह शुभम पंकज एन खुश एक्सपेंडिचर है जी हाँ अदर एक्सपेंडिचर यह क्या आएगा एक्सपेंडिचर आएगा ठीक है गाइज बॉज एंड गर्ल्स मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे आप मेरा अगला क्वेश्चन ये है इसके अंदर या फिर ये जो पेन है ये आयन एंड स्टील का पेन है मैंने आयन एंड स्टील परचेस किया आयन एंड स्टील से यह पेन बनने वाला है तो आयन एंड स्टील मेरे लिए क्या है मटेरियल है लेबर है या एक्सपेंडिचर है Yeah, मेरा सेकंड क्वेश्चन है फटाफट से आंसर दीजिएगा यह स्टाइलस पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए आयन एंड स्टील लगा है सर जी आयन एंड स्टील परचेस किया हुआ मैंने तो गाइज आप मुझे बताएंगे इसको कौन सी कैटेगरी के अंदर डालेंगे क्या ये मटेरियल कॉस्ट है या ये लेबर कॉस्ट है या ये एक्सपेंडिचर कॉस्ट है चलो अगेन करेक्ट आंसर आ रहा है और ये है आपका मटेरियल की कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है मामू मटीरियल की कॉस्ट है परफेक्ट है मटीरियल है आयन एंड स्टील इज अ मटीरियल परफेक्ट आंसर दे रहे हो गाइज ओके okay, अब ध्यान से आंसर देना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही आप इंटरेक्शन रहेगा ऐसे ही सारे लेक्चर्स हम लोगों को कंप्लीट करने हैं सर ऐसा नहीं होएगा कि मैं बस पढ़ाते जाऊंगा और बस आप लिखते जाएंगे बिल्कुल नहीं सर फुल्ली इंटरेक्टिव आपके जो है वो लेक्चर्स होने वाले आगे बढ़ते सर मेरे अगले एग्जाम्पल के लिए क्या आप तैयार हो ठीक है आप तैयार हो आई नो दैट आप फटाफट फड़ से आंसर दे रहे हो तो गैस मेरा अगला क्वेश्चन ये है आयन एंड स्टील कट करना पड़ा ठीक है आयन एंड स्टील कट करना पड़ा उसको मोल्डिंग करना पड़ा ये काम करता है मेरा फैक्ट्री का वर्कर वो वर्कर को मैंने वेजेस पे किया वो वर्कर को मैंने वेजेस पे किया सर क्या बोला मैंने ये आई स्टील आया ठीक है उसको कटिंग किया उसको सर जी मैंने फिनिशिंग किया पॉलिशिंग बेंडिंग वगैरह किया आप मुझे बताएंगे उस वर्कर को मैंने वेजेस पे किया कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा क्या यह मैंने मटेरियल के लिए खर्चा किया या मैंने या मैंने कॉस्ट है मेरा एक्सपेंडिचर क्या है सर जी डायरेक्ट लेबर लेबर कॉस्ट है चलो ठीक है सर जी अभी पंकज जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट ये आगे का पार्ट है हम लोगों को बस बेसिक ये जानना है कि भाई जो खर्चा हम लोगों ने इनकर किया है क्या ये मटेरियल है या ये लेबर है या एक्सपेंडिचर है चलो ठीक है एम्प्लॉय कॉस्ट है लेबर कॉस्ट है परफेक्ट आंसर दे रहे हो तो इतना सिंपल बेसिक पार्ट तो समझ में आया सर आइर खर्चा कॉस्ट एक्सपेंडिचर मटेरियल हो सकता है या फिर लेबर हो सकता है और अगर मटेरियल नहीं है लेबर नहीं है तो वो अदर कैटेगरी के अंदर एक्सपेंडिचर के अंदर आपको डालना पड़ेगा चलो अब गाइज हर एक जो एलिमेंट है मटेरियल कॉस्ट है एम्प्लॉई कॉस्ट है अदर एक्सपेंडिचर है उसको दो कैटेगरी के अंदर फर्दर डिवाइड किया है डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जी हाँ सर मटेरियल एम्प्लॉय कॉस्ट एंड सर एक्सपेंसेस ये सारे के सारे एलिमेंट को और दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है और वो कैटेगरी है सर जी आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगे okay, अभी तक हमने सीखा नहीं आज सीखने वाले सर मटेरियल लेबर डायरेक्ट क्या है एक्सपेंडिचर क्या है धीरे धीरे अपने को कोई घाई नहीं है अब गाइज बॉइज एंड गर्ल्स एक नया कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे जो शायद आपने फाउंडेशन के अंदर सीखा हुआ है और वो है सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जी हां डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉई का कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाता है आपका प्राइम कॉस्ट के अंदर ठीक है सर इसका कुछ मीनिंग नहीं प्राइम कॉस्ट का मतलब सर मेन कॉस्ट ओके तो क्या बोला मैंने डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर या फिर डायरेक्ट एम्प्लॉई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन तीनों का एडिशन करके क्या बनता है सर जी आपकी प्राइम कॉस्ट बनती है आपकी मेन कॉस्ट बनती है एंड अगर आप चेक कर पाएंगे इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ठीक है इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये बनेगा आपका ओवरहेड क्या बनेगा सर जी जो सर के ऊपर से जाता है ओवरहेड क्या बोला है समझ में आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट expenses आपकी प्राइम कॉस्ट है इनडायरेक्ट material, इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके ओवर हेड से चलो गाइज जल्दी से पेन पेपर आपकी नोटबुक निकालिएगा और ये जो चार्ट है फटाफट -फड़ से ये चार्ट कंप्लीट कीजिएगा और जैसे ही आपका कंप्लीट होता है इन्फॉर्म कीजिएगा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ये लिखना है सर जी हमें फटाफट पड़ से आई एम वेटिंग फॉर यू एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कीजिएगा अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा मटेरियल एम्प्लॉय कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके बाद बताऊंगा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो प्राइम कॉस्ट के अंदर जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका ओवरहेड्स के अंदर जाता है चलो ठीक है आई गिव यू टाइम डोंट वरी घाई मत करो गाइस हमें बिल्कुल घाई नहीं करनी है आराम से कंप्लीट करो कुछ स्टूडेंट ने कंप्लीट किया अलवेट बाकी लोग रिप्लाई करेंगे स्टूडेंट रिप्लाई कर रहे हैं कंप्लीट हुआ है आई वेट स्टिल सम स्टूडेंट आर राइटिंग एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर मटेरियल कॉस्ट एम्प्लॉई कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवर के अंदर जाता है जिन लोगों ने कंप्लीट कर दिया है आगे एक चार्ट आप बना सकते हो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट के अंदर जा जैसे यहाँ पे ओवर है वैसे आगे एक और चार्ट बनाइएगा ऊपर तो हेडिंग दीजिएगा प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट के अंदर तीन पार्ट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस यस सर जी बाकी लोग रिप्लाई कीजिएगा जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है आप रिप्लाई कीजिएगा सो so दैट हम लोग आगे बढ़े इसके बाद मैंने आपको एक चार्ट लिखने के लिए बोला है खुद से लिखना है हेडिंग दे देना प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट में आएगा आपका डायरेक्ट मटीरियल प्राइम कॉस्ट के अंदर आएगा आपका डायरेक्ट एम्प्लॉई एंड डायरेक्ट एक्सपेंसिस चलेगा सो बॉयज एंड गर्ल्स कंप्लीटेड चलो ठीक है काफी सारे स्टूडेंट का रिप्लाई आ चुका है कंप्लीट हो चुका है आई होप सो कंप्लीट हुआ है चलिए चार्ट भी आपने कंप्लीट किया है प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट एम्प्लॉई एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस चलो प्राइम कॉस्ट ऑल्सो कंप्लीटेड वेरी गुड गाइज ऐसे रिप्लाई करते रहिएगा नाउ डन वेरी गुड चलो सर ये जो हम लोगों ने ओवरहेड्स देखा था जी हाँ ये जो हम लोगों ने ओवरहेड्स देखा था ओवरहेड को तीन कैटेगरी के अंदर या फिर चार भी चलता है सर ओवरहेड्स को हम लोगों को चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है या तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है वो कैटेगरी कौन सा है आधर आपके जो ओवरहेड्स है वो फैक्ट ट्री रिलेटेड ओवरहेड है या फिर आपके ओवरहेड जो है वो office के अंदर हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या फिर आपके जो है, वो selling and distribution. तो selling and distribution अलग से लिखा तो भी चलेगा या फिर आपने क्लब किया तो भी चलेगा जी हाँ आई रिपीट आपके जो ओवरहेड है ओवरहेड को आपको तीन कैटेगरी के, के अंदर डिवाइड करना है so, overhead में अगर ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर फैक्ट्री के अंदर इनकर हुआ है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री उसका नाम है है आगे डिटेल डिटेल में में आएगा आएगा एक एक, एक में आएगा. अगर आपके जो ऑफिस के अंदर इनकर हुआ है ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस फैक्ट्री का जो ऑफिस है उसके अंदर अगर एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है ऑफिस के अंदर तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर कवर किया जाता है लेकिन अगर आपके ओवरहेड सेल करते वक्त लगे हैं डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त लगे वेयर हाउस के वगैरह तो वो आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कैटेगरी के अंदर डालना पड़ेगा तो ये भी एक पार्ट आपको लिखना है overhead की तीन कैटेगरी एक आएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड ठीक है जिसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोला तो भी चलेगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को सेपरेट किया तो भी चलेगा चलो जल्दी से कंप्लीट करो गाइज बहुत दिन के बाद कुछ लिख रहे हैं सर बहुत टाइम लग रहा है गाइज सर फाउंडेशन के एग्जाम के बाद कुछ भी नहीं लिखा था खुद का नाम भी नहीं लिखा था सर तो आप इतना लिखवा रहे हो प्रैक्टिस कर लो सर भर भर के बहुत सम सॉल्व करने वाले हैं बहुत नोटबुक आपके कंप्लीट होने वाले हैं बहुत पेपर्स हम लोग लिखने वाले हैं बहुत मेहनत करने वाले गाइज हम लोग जी हाँ जी हाँ भारत माता की जय चलो हो गया है डन ओके सो गाइस समरी 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 आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं हुआ है डोंट वरी एट ऑल एक्सप्लेनेशन का पार्ट पूरा बाकी है जी हाँ गाइस सबसे पहले एलिमेंट ऑफ कॉस्ट तीन एलिमेंट है मटेरियल कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस अगर आप चेक कर पाएंगे मटेरियल कॉस्ट के अंदर दो कैटेगरी आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर दो आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्सपेंडिचर के अंदर दो आएगा आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट के अंदर जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो आपको कवर करना पड़ेगा ओवरहेड्स के अंदर एंड ओवरहेड्स की तीन कैटेगरी गाइज एक फैक्ट्री ओवर है एडमिनिस्ट्रेशन ओवर और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अब पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं अगला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जी ध्यान से सुनना गाइज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर आपने मटेरियल को गलती से डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में डाल दिया या इनडायरेक्ट का डायरेक्ट में डाल दिया आपका पूरा कॉस्टशीट गलत हो जाएगा क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला डायरेक्ट मटेरियल जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल जाएगा आपका ओवर के अंदर तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा मटेरियल डायरेक्ट है और कौन सा मटेरियल आपका इनडायरेक्ट है चलेगा so पहला जो है वो आपका डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट सिंपल है मटीरियल पढ़ना नहीं है सर मेरे पास ध्यान दीजिएगा कॉन्सेंट्रेट यहां पे एकदम सिंपल पार्ट है डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट मटीरियल विच इज डायरेक्टली जी हाँ क्या बोला सर जी मटेरियल विच इज डायरेक्टली यूज फॉर प्रोडक्शन जो मटेरियल प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली यूज हुआ है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है सेकेंड गाइज मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन टू द फाइनल प्रोडक्ट जी हाँ मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन टू द फाइनल प्रोडक्ट सर जो मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट के अंदर अभी भी है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है सो so, पहला पार्ट हमने देखा कि मटेरियल विच इज डायरेक्टली यूज फॉर प्रोडक्शन सेकेंड पार्ट हमने देखा मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन टू द फाइनल प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर है ठीक है भले ऊपर से दिखता नहीं अंदर है ठीक है, 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 है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है एंड आइडेंटिफाइबल है ठीक है जिसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्लियर है आइडेंटिफाइबल डायरेक्ट मटेरियल कौन है सर ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं एक बेंच मैन्युफैक्चर करना है एक बेंच मैन्युफैक्चर करने के लिए टेन के जी का जो है वो आयन एंड स्टील लगता है क्वेश्चन ध्यान से सुनना एक बेंच मैन्युफैक्चर करना है क्लास के लिए एक बेंच मैन्युफैक्चर करने के लिए टेन के जी का आयन एंड स्टील मुझे लगता है अब आप मुझे बताएंगे अगर मुझे हंड्रेड बेंचेस मैन्युफैक्चर करना है तो कितना के जी आयन एंड स्टील लगेगा फटाफट पड़ से आंसर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है कुछ रॉकेट साइंस नहीं पूछा है मैंने मैंने पूछा एक बेंच मैन्युफैक्चर करने के लिए 10 के का मटेरियल लगता है वैसे अगर मुझे 100 बेंचेस की ऑर्डर आई है 100 बेंचेस अगर मुझे मैन्युफैक्चर करना है तो मुझे कितना आयन एंड स्टील लगेगा चलो ठीक है आ गया है आंसर वन जी हाँ वन थाउजेंड का जो है वो मुझे आय स्टील लगेगा सर पचास बेंच मैन्युफैक्चर करना है तो कितना लगेगा फाइव लगेगा मतलब क्या हो रहा है सर ये जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है ये एकदम क्लियर है सर एक बेंच के लिए अगर 10 है तो 50 बेंच के लिए 500 सौ है 100 बेंच के लिए 1000 है सर जी फाइव हंड्रेड बेंच के लिए 50000 एकदम क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर रहे हो 500 बेंच के लिए 5000 लगेगा सॉरी सो जिसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप एकदम क्लियर है एकदम आइडेंटिफाइबल है वो आपका डायरेक्ट मटीरियल है ठीक है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है नो गाइस बॉयज एंड गर्ल्स समरी करता हूँ वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल क्या है मटेरियल जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज हुआ है मटेरियल जो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है और तीसरा सर जी जिसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप एकदम क्लियर है एकदम आइडेंटिफाइबल है एंड कॉन्स्टेंट है सर एंड कॉन्स्टेंट है वो सारे आपके डायरेक्ट मटीरियल है ठीक है अब सर जी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूं फटाफट फड़ से आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं गाइज सपोज फर्नीचर का इंडस्ट्री है मेरा बेंच मैन्युफैक्चर कर रहा हूं कुर्सी मैन्युफैक्चर कर रहा हूं चेयर टेबल बेंचेस मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो आप मुझे फटाफट फड़ से बताएंगे बेंच फैक्ट्री के लिए या फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए मेरा डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आएगा आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं फटाफट फड़ से आंसर दीजिएगा मटेरियल जो डायरेक्टली यूज हुआ है प्रोडक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है एंड गाइस इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्लियर है उतना ही लगने वाला है तो फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए मेरा डायरेक्ट मटेरियल क्या क्या रहेगा आप चेक कीजिएगा सर आप जिस बेंच पे बैठे हो जिस चेयर पे बैठे हुए जिस टेबल पे बैठे हुए हो सर जी उसमें आपको क्या क्या डायरेक्ट मटीरियल समझ में आ रहा है हां जी सर मैं वेट करू आपके आंसर का जी हाँ ओके okay, वुड चलो वुड है आयन एंड स्टील ठीक है टिम्बर है वुड है ओ ओ ओ वेजेस कैसे आ गया वेजेस कैसे आ गया वेजेस अलग कैटेगरी है सर मटेरियल अलग है एम्प्लॉय कॉस्ट अलग है एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग है चलिएगा सो so, क्या था टिम्बर था वुड था वेजेस है ओके okay. वेजेस तो नहीं है केमिकल्स है वुड oh, है नट बोल्ट है ठीक है सर आयन एंड स्टील आयन एंड स्टील को जो कलर किया हुआ है वो भी आपका डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आएगा चलो परफेक्ट आपने एग्जांपल दिया हुआ है मेरा सेकेंड एग्जांपल है सेकेंड एग्जांपल इज दैट गाइस ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर ठीक है आप क्या कर रहे हो ज्वेलरी मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो ज्वेलर के लिए डायरेक्ट मटीरियल क्या है ऑर्नामेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो सर आप तो आप जल्दी से आप आंसर दीजिएगा हाँ सर ज्वेलरी अगर मुझे मैन्युफैक्चर करना है तो मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या होएगा? ज्वेलर फटाफट से आंसर दीजिएगा सर जो ऑर्नामेंट आप पहनते हो चलो मेटल मेटल में आएगा गाइस गोल्ड गोल्ड आएगा सिल्वर आएगा प्लैटिनम आएगा चलो ठीक है इसके बाद डायमंड वेरी गुड स्टोन्स वगैरह कुछ यूज किया हुआ है थ्रेड वगैरह कुछ यूज किया है ओके वेरी गुड परफेक्ट आंसर आप दे रहे हो मेटल्स एक्सेट्रा सो डायरेक्टली यूज हुआ है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है और इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कॉन्स्टेंट है परफेक्ट है मोती है स्टील है और क्या है प्लेटिनम है चलो ठीक है आप परफेक्ट आंसर दे रहे हो मेरा अगला क्वेश्चन है फटाफट -फड़ से आंसर दीजिएगा गाइज बॉयज एंड गर्ल्स मेरा कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन का जो है वो मेरा काम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता हूँ ब्रिज कंस्ट्रक्शन करता हूं ठीक है ऑफिसेस कंस्ट्रक्शन करता हूँ अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या है जो डायरेक्ट यूज होना चाहिए जो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए और इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्लियर होना चाहिए इसका आप आंसर दीजिएगा चलिएगा कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए फटाफट से आंसर दीजिएगा वे, मैं वेट कर रहा हूँ चलो शुभम जी ने आंसर दिया है तो सीमेंट आयन, स्टील वाटर वाटर सर वार्टर नहीं आएगा क्योंकि वाटर सर वाटर इज नॉट प्रेजेंट इन टू द फाइनल प्रोडक्ट वो इवेपोरेट हो जाता है सर उसका आइडेंटिटी निकल जाता है तो वॉटर डायरेक्ट मटीरियल के अंदर नहीं आएगा ओके सीमेंट है सैंड है ब्रिक्स है ठीक है आयन है स्टील है और क्या कह दिया वुड है ओके वुड भी कभी कभी लगता है चलेगा सो यू आर गेटिंग इट परफेक्ट आप आंसर दे रहे हो गाइस आयन हो गया स्टील हो गया देन uh, सीमेंट uh, उसके बाद ब्रिक्स कलर दे रहे वो कलर कुछ वुड स्ट्रक्चर रहेगा तो सर जी वुड भी हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आएगा परफेक्ट है चलेगा टाइल्स वेरी गुड टाइल्स आएगा पीओपी आएगा प्लास्टर आएगा ऐसे आंसर दो ना फटाफट -फड़ से क्या बात है चलो सर गजब का आंसर दे रहे हो आप फटाफट -फड़ से वेरी गुड गाइस सो so, चलिएगा so, आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है जो जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उसका आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है ये कुछ एग्जांपल आपके सामने रखा हुआ है गाइस आप चेक कर सकते हो अब गारमेंट रेडीमेड शर्ट पैंट मैन्युफैक्चर करता है तो उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा सर ये बटन डायरेक्ट मटेरियल है ये कॉटन फैब्रिक डायरेक्ट मटेरियल है सर ये जो कॉलर के अंदर जो स्टीफ मटेरियल है वो डायरेक्ट मटेरियल आएगा ठीक है थ्रेड वगैरह जो है वो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आएगा टिम्बर इन फर्नीचर मिल्क एंड क्रीम इन आइसक्रीम ठीक है पेपर यूज इन बुक्स इंडस्ट्री गोल्ड सिल्वर यूज इन ज्वेलरी ब्रिक सीमेंट यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये सारे आपके डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आएगा सो गाइज एंड गर्ल्स समरी क्या है डायरेक्ट मटीरियल में कैटेगरी क्या क्या होनी चाहिए मटीरियल विच इज डायरेक्टली यूज मटेरियल विच इज डायरेक्टली यूज सेकेंड गाइज मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए तीसरा सर जी आपका जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है वो कांस्टेंट होना चाहिए ये सारी कैटेगरी डायरेक्ट मटेरियल का है okay, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो इनडायरेक्ट मटेरियल तो बहुत आराम से समझेगा सर एग्जैक्टली exactly इसके अपोजिट वर्डिंग यूज करना है एग्जैक्टली exactly इसके अपोजिट वर्डिंग यूज करना है क्या है सर जी मटेरियल विच इज इनडायरेक्टली यूज इन टू द प्रोडक्शन सर डायरेक्ट यूज नहीं हुआ है उसका इनडायरेक्ट यूज हुआ है सर मटेरियल जो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है और सर जिसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्लियर और आइडेंटिफाइबल नहीं है वो सारे के सारे मटेरियल गाइज आपके इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर आएगा जी अगज इतना सिंपल है डायरेक्ट मटेरियल के एग्जैक्टली exactly अपोजिट जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा मटेरियल विच इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड मटेरियल कैन नॉट बी सीन इन टू द फाइनल प्रोडक्ट इट इज नॉट प्रेजेंट इन टू द फाइनल प्रोडक्ट ठीक है नो गाइस, जैसे डायरेक्ट मटेरियल जो है वो आपके प्राइम कॉस्ट के अंदर जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो आपका ओवर के अंदर जाएगा कहाँ पे जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल, ओवर के अंदर जाएगा नाउ गाइस बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान से सुनना पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए ये अगर आपको आ गया तो कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी, भी डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर आपका कन्फ्यूजन नहीं होएगा। सो गर्ल्स आप मुझे आंसर देंगे मैं जो जो एग्जांपल आपको दे रहा हूं ठीक है वो डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले सर so, जी आपका जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री के अंदर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो फर्नीचर जी हाँ फैक्ट्री के अंदर आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो फर्नीचर है चेयर टेबल बेंचेस कब्ब एक्सेट्रा आप फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहे हो ठीक है सर ये फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको मशीन लगने वाली है जी आई रिपीट ये जो फर्नीचर आपको मैन्युफैक्चर करना है वो मशीन आपको लगने वाला है ठीक है एंड गाइस ये मशीन रन करने के लिए मुझे ऑयल लगने वाला है एंड ग्रीस लगने वाला है अब फटाफट फड़ से आप आंसर देंगे ध्यान से सुनिएगा सर जी फर्नीचर का फैक्ट्री है फर्नीचर फैक्ट्री के अंदर मशीन भी लगा हुआ है ये मशीन रन करने के लिए मुझे ऑयल एंड ग्रीस लग रहा है सर ऑयल एंड ग्रीस लग रहा है तो आपको मुझे ये बताना है ऑयल एंड ग्रीस मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल है या मेरे लिए इनडायरेक्ट मटेरियल है क्राइटेरिया एकदम सिंपल है अगर डायरेक्टली यूज हुआ है फाइनल प्रोडक्ट के लिए तो वो डायरेक्ट मटीरियल है जो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है वो डायरेक्ट मटीरियल है और जिसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप एकदम क्लियर है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है इनडायरेक्ट क्या है जो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है जो डायरेक्टली यूज नहीं हुआ है फाइनल प्रोडक्ट के लिए वो इनडायरेक्ट मटीरियल है अब मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ आपको आंसर देना है फटाफट से ये जो मैंने ऑयल एंड ग्रीस यूज किया है ये डायरेक्ट मटीरियल है या इनडायरेक्ट मटीरियल है चलेगा सो so, मुझे अभी तक जितने भी आंसर आए हैं मैं फटाफट से पढ़ लेता हूँ यश शुभम जी के के रिजवान जी खुशन पंकज जी सारे के सारे मुझे आंसर दे रहे हैं सर ये जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है एब्सोल्युटली करेक्ट आपने आंसर दिया हुआ है ये जो ऑयल एंड ग्रीस मैंने यूज किया हुआ ये ये है ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं है इनडायरेक्ट मटेरियल है क्यों सर आपको एक रिलेशनशिप याद रखना है रिलेशनशिप ऑफ ए बी एंड सी क्या बोला सर जी रिलेशनशिप ऑफ ए बी एंड सी सर ये जो बी मटीरियल सी के लिए यूज हुआ है वो डायरेक्ट मटीरियल है क्या बोला मैंने ये बी मटेरियल अगर सी प्रोडक्ट के लिए यूज हुआ है तो वो डायरेक्ट है लेकिन सर ए बी के लिए यूज हुआ और बी सी के लिए यूज हुआ तो ए जो है वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा सर ध्यान से सुनना अगर नहीं समझा तो टेंशन ना लो गाइस वापस बता रहा हूं सर ऑयल एंड ग्रीस किसके लिए यूज हुआ बेंच के लिए नहीं यूज हुआ डायरेक्टली ऑयल एंड ग्रीस मैंने मेरे मशीन के लिए यूज हुआ और मशीन से मैंने फाइनल प्रोडक्ट बनाया डायरेक्टली ऑयल जो है वो फाइनल प्रोडक्ट के लिए नहीं लगा है तो ऑयल एंड ग्रीस इनडायरेक्टली यूज हो रहा है चलो गाइज बढ़ते अगले एग्जाम्पल की तरफ वेरी गुड आप ऐसे ही आंसर देते रहिएगा और मुझे एक uh, केके जो है वो इन्होंने आंसर दिया सर इनडायरेक्ट है क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर ट्रेस नहीं हो रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है बिल्कुल सर जिस बेंच पे आप बैठे उस पर ऑयल लगा हुआ है क्या जिस चेयर टेबल या फिर जो फर्नीचर है उसके अंदर ऑयल वगैरह दिखता ही नहीं है तो इट इज नॉट प्रेजेंट इन टू द फाइनल प्रोडक्ट बहुत शानदार आंसर दिया है चलिएगा सेकेंड एग्जाम्पल ध्यान से सुनियो गाइस मेरे फैक्ट्री के अंदर एक जनरेटर सेट लगा हुआ है फैक्ट्री के अंदर जनरेटर सेट लगा हुआ है जनरेटर सेट का मतलब क्या हुआ भाई मेरे को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है सो पावर फेलियोर होता है बहुत बार मेरे एरिया uh, के अंदर तो मैंने इंटरप्शन ना हो प्रोडक्शन में इसलिए मैंने इन्वर्टर जनरेटर सेट लगाया हुआ है ठीक है ये जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी होती है और इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो मैं फिनिश प्रोडक्ट बना लेता हूँ ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मुझे पेट्रोल लगा या फिर डीजेल लगा अब आप मुझे बताएंगे पेट्रोल एंड डीजल ये तो मटेरियल है जी हाँ मटेरियल है क्योंकि तो जब मैं पेमेंट करता हूं पेट्रोल और डीजल के लिए तब तो कुछ ना कुछ सॉलिड फॉर्म के अंदर टेंजिबल फॉर्म के अंदर मेरे पास कुछ ना कुछ आता है तो वो मटेरियल है सर तो आप मुझे बताएंगे सर ये जो पेट्रोल मैंने यूज किया, किया है किसके लिए यूज किया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया है इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए यूज किया है फाइनल प्रोडक्ट चेयर टेबल बेंचेस बनाने के लिए यूज किया है फटाफट से आंसर दीजिएगा गाइस ये जो पेट्रोल है ये जो डीजल है मेरे लिए मेरे फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए डायरेक्ट मटीरियल है या इनडायरेक्ट मटीरियल है चलो आई वेट फॉर योर आंसर गाइज फटाफट से आंसर देते रहिएगा आई विल वेट फॉर योर आंसर गाइज आपके आंसर की राह देख रहा हूं सो so, वो मुझे आंसर आना स्टार्ट हो गया शुभम जी पंकज जी, रिजवान जी ऐश्वर्या जी रुपेश जी अर्शिया जी सॉरी रुपेश जी सारे की सारे स्टूडेंट मुझे एक ही आंसर दे रहे हो गूंज रहा है वो आंसर और वो है सर इनडायरेक्ट मटेरियल जी हाँ okay. मैक्सिमम so, जो आंसर आया था वो इनडायरेक्ट मटेरियल है एक दो स्टूडेंट ने मुझे आंसर दिया है वो डायरेक्ट मटेरियल है चलो ये डायरेक्ट क्यों नहीं है पहले तो हम लोग देख लेते सर सर ए बी सी ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है ठीक है सर पेट्रोल डीजल किसके लिए यूज हुआ इलेक्ट्रिसिटी के लिए और इलेक्ट्रिसिटी फाइनल प्रोडक्ट के लिए यूज हुआ है तो सर ए बी सी हो गया ना लेकिन सर फर्नीचर में सर जी आपको आयन स्टील यूज हुआ या फिर आपका जो भी कुछ वुड लेमिनेट्स यूज हुआ है स्क्रू नट बोल्ट यूज हुआ वो तो डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट के लिए यूज हुआ है ना सर एंड एंड पेट्रोल और डीजल फाइनल प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है तो ये जो है वो आपका इनडायरेक्ट आने वाला है आई होप सो जिन लोगों ने ये गलत आंसर दिया था उनको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सर पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी आपका जो है वो फिनिश गुड्स के लिए यूज हो रहा है ठीक है तो ये इनडायरेक्टली यूज हुआ है डायरेक्टली फर्नीचर के लिए तो पेट्रोल डीजल यूज नहीं हुआ है अगला एग्जाम्पल ध्यान से सुनना गाइज बॉयज एंड गर्ल्स फैक्ट्री के अंदर वॉशरूम है वॉशरूम के अंदर सर जी वो क्लीनिंग मटेरियल है अगेस, वो आ, डोमेक्स वगैरह क्या है? जो भी कुछ है सर जी वो जो भी कुछ साफ सफाई करने का मटेरियल है वो है ठीक है कुलीन या फिर वो जी, डोमेक्स वगैरह टॉयलेट क्लीनर जी हाँ सो so, आपका फैक्ट्री है ध्यान से सुनियो सर आपका फैक्ट्री है फैक्ट्री के अंदर टेबल चेयर बेंचेस मैन्युफैक्चर हो रहा है ओके okay. so, सो यही फैक्ट्री के अंदर वॉशरूम्स वगैरह भी है जिसका क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए जो है वो आपका टॉयलेट क्लीनर यूज़ किया जा रहा है ठीक है क्लीनिंग मटेरियल यूज किया जा रहा है अब आप फेनाइल वगैरह यूज़ किया जा रहा है आप मुझे बताएंगे ये जो क्लीनिंग मटेरियल है ये डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है अब आप आंसर दे फटाफट फड़ से जी हाँ जल्दी से आंसर दीजिएगा सर जी आई एम वेटिंग फॉर यूर आंसर क्या क्वेश्चन समझ में तो आया ना भाई भाई टेबल चेयर बेंचेस बना रहे और फैक्ट्री मेंटेन रखने के लिए वॉशरूम वगैरह मेंटेन करने के लिए मैं टॉयलेट क्लीनर यूज कर रहा हूँ ठीक है या क्लीनिंग मटेरियल यूज कर रहा हूँ तो आप मुझे बताएंगे भाई ये डायरेक्ट मटेरियल है इनडायरेक्ट मटेरियल है चलो मुझे आंसर आना स्टार्ट हो गया है कुश रिजवान यश शुभम इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा मटेरियल बोल रही है इनडायरेक्ट है वेरी गुड परफेक्ट है ऑब्वियसली यस सर क्यों ये इनडायरेक्ट है जी हाँ क्यों ये इनडायरेक्ट है गाइस ये जो टॉयलेट क्लीनर है ये मैंने टेबल चेयर बेंचेस के लिए डायरेक्टली यूज नहीं किया है जी ये जो टॉयलेट क्लीनर ये फैक्ट्री में यूज हुआ और वो फैक्ट्री में मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है तो गाइज इसका रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं है इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आइडेंटिफाइबल नहीं है बच्चों आई होप सो पॉइंट इज क्लियर जी हाँ करेक्ट आंसर आ रहा है आपका परफेक्ट है सो so, हम लोगों ने जो डिस्कस किया गाइज आई होप सो अच्छे से आपको समझ में आया है डायरेक्ट मटीरियल एंड इनडायरेक्ट मटीरियल जी हाँ एग्जाम्पल पढ़ना बाकी है आप वो एग्जाम्पल एक बार चेक कर लीजिएगा गाइस मटेरियल बाय पावर हाउस पावर हाउस अभी मैंने आपको बताया इन्वर्टर वगैरह या फिर इलेक्ट्रिसिटी uh, जनरेट करने के लिए डीजल एंड पेट्रोल यूज किया है सर सेकेंड कैंटीन कैंटीन के लिए जो मटेरियल लगा हुआ है नेक्स्ट वन अदर सर्विस डिपार्टमेंट के लिए मटेरियल लगा हुआ है ऑयल ल्यूब्रिक्ट यूज हुआ है मेंटेनेंस ऑफ मशीन ये सारे के सारे जो है वो आपके डायरेक्ट मटेरियल के कैटेगरी के अंदर आएंगे सर अगला एग्जांपल। गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स। फैक्ट्री के अंदर कैंटीन है फैक्ट्री के अंदर कैंटीन है कैंटीन में कुछ मटेरियल यूज किया जा रहा है और कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है सर जी सर यहां पे कुछ फूड आइटम वगैरह परचेज किया जा रहा है ठीक है

सर ये वर्कर जो है वो टेबल चेयर बेंचेस बना रहे हैं अब फटाफट से आंसर देना कैंटीन के अंदर जो फूड आइटम मैंने यूज किया हुआ है ये डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है सर जी कैंटीन के अंदर जो मैंने फूड आइटम यूज किया गया है सर फटाफट से फूड ग्रेन यूज किए फूड आइटम ऑयल वगैरह यूज किया गया है वहां पे ये डायरेक्ट मटीरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल है, इन है? श्रद्धा जी प्लीज डोंट यूज द वर्ड एक्सपेंसेस हम लोग मटेरियल डिस्कस कर रहे हैं ठीक है थीके? ये इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा ठीक है एक्सपेंसेस अलग है रेंट हो गया ठीक है इंश्योरेंस हो गया इलेक्ट्रिसिटी हो गया इसके खर्चे रहते हैं तो ये मटेरियल नहीं है मटेरियल में जब आप पेमेंट करते हो तो टेंजिबल ही कुछ आता है ओके okay, ये इनडायरेक्ट है इनडायरेक्ट मटीरियल इनडायरेक्ट मटीरियल इनडायरेक्ट मटीरियल इनडायरेक्ट मटीरियल चलो सर जी समझ में आ गया बच्चों तो अगर फाइनल प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली यूज हुआ है तो वो डायरेक्ट मटीरियल है अगर फाइनल प्रोडक्ट के लिए इनडायरेक्टली यूज हुआ है तो वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी के अंदर आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट में जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल आपका ओवरहेड्स के अंदर जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड्स के अंदर जाएगा चलो लास्ट एग्जांपल लास्ट 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 एग्जाम्पल एंड गर्ल्स ऑफिस के अंदर जी हा ऑफिस के अंदर सर जी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सब बैलेंस शीट प्रिंट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिंट करना है कॉस्ट शीट वगैरह बनाने का या फिर कोई भी रिपोर्ट बनाने का है कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन का रिपोर्ट बनाने का है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के पेजेस यूज हुए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के पेजेस यूज हुए ठीक है अब समझ लो सर सर मेरा फैक्ट्री क्या है मेरा फैक्ट्री है फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने का मैं सी नहीं हूं ठीक है सर सी का ऑफिस नहीं है कि पेजेस वगैरह जो है वो लगते ही है गाइस फर्नीचर मैं बना रहा हूं आगे मेरा ऑफिस है सेपरेटली यही और ऑफिस के अंदर मैंने पेजेस यूज किए हैं स्टेशनरी यूज किया है डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल है पाँच सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल है डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल है चलो एक आंसर आया मुझे अर्शिया जी इन्होंने आंसर दिया इंडायरेक्ट यश जी ने आंसर दिया इंडायरेक्ट जी सर जी ये इंडायरेक्ट मटरियल है इनडायरेक्ट मटीरियल फॉर ऑफिस शुभम ने शुभम जी ने मुझे स्पेसिफिक आंसर दिया है इंडायरेक्ट मटीरियल फॉर ऑफिस चलो इनडायरेक्ट मटीरियल ये बात तो क्लियर हो गई है सर इनडायरेक्ट है क्योंकि सर फर्नीचर का और ये जो पेजेस है प्रिंटिंग स्टेशनरी का कोई लेना देना नहीं है सर इसके मतलब ये क्या हो गया गाइज आपका इनडायरेक्ट मटेरियल मुझे एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा आंसर दिया है सर ये ऑफिस रिलेटेड है गाइज कितना जबरदस्त आप कंसेप्ट को ग्रास्प किया है जैसे मैंने आपको बताया गाइज इनडायरेक्ट मटीरियल कॉमा इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो आपका के अंदर जाएगा और ओवर की तीन कैटेगरी है एक फैक्ट्री ओवरहेड है एक एडमिनिस्ट्रेशन ओवर है और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है एक स्टूडेंट ने मुझे एकदम स्पेसिफिक आंसर दिया है और उन्होंने मुझे बताया सर ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर कवर किया जाएगा तो गाइज एक और कंसेप्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगर इनडायरेक्ट मटेरियल अगर इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे सर वो जो मशीन के लिए ऑयल एंड ग्रीस यूज हुआ है सर वो फैक्ट्री के लिए जो मेंटेनेंस का मटेरियल यूज हुआ है सर वो जो इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में जनरेट किया है उसके लिए जो पेट्रोल डीजल यूज हुआ है वो कहाँ पे यूज़ हुआ है फैक्ट्री के अंदर यूज हुआ है अगर इनडायरेक्ट मटीरियल इंडायरेक्ट लेबर इंडायरेक्ट एक्सपेंसिस फैक्ट्री के अंदर यूज हुआ है वो फैक्ट्री ओवरेड्स के अंदर आएगा कहाँ आएगा फैक्ट्री ओवरेड्स के अंदर सर अगर इनडायरेक्ट मटीरियल क्लीनिंग मटीरियल यूज इन ऑफिस िंटिंग एंड स्टेशनरी यूज इन ऑफिस तो यह आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर जाएगा लेकिन अगर आपने इनडायरेक्ट मटीरियल सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर यूज हुआ है तो वह आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कवर किया जाएगा तो गाइज कितना ईजी है ये कितना सिंपल है सर अगर डायरेक्ट मटीरियल है जो डायरेक्टली यूज हुआ है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है एंड इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कांस्टेंट है डायरेक्ट मटेरियल जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर इनडायरेक्टली यूज हुआ है तो वो जाएगा आपका ओवर के अंदर ओवर की तीन कैटेगरी फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर फैक्ट्री में ये मटेरियल इनडायरेक्ट यूज हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड अगर ऑफिस के अंदर हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त यूज हुआ तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरड के अंदर जा एगा सो okay, so, ये पॉइंट हम लोगों ने कवर किया है गाइस इन मटेरियल, मटीरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट मटेरियल कवर किया है चलो बच्चों, सेकेंड लास्ट पार्ट फॉर द डे बस दो कंसेप्ट और एक्सप्लेन करेंगे देन विल स्टॉप गाइस। बहुत अच्छे आप आंसर दे रहे हो ऐसा ही आपसे आंसर में एक्सपेक्ट कर रहा हूं गाइस अगला जो कंसेप्ट है वो है आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अब आप बना सकते हो सर जी डायरेक्ट लेबर क्या है वर्कर विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व ठीक है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कुछ भी वर्ड यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्कर्स विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटीरियल इन टू फाइनल प्रोडक्ट सर रॉ मटीरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो वर्कर लोग काम करते हैं वो आपके डायरेक्ट वर्कर है जी हाँ वर्कर विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ तो रॉ मेटेरियल इंटू फाइनल प्रोडक्ट सर रॉ मेटरियल क्या तो था ये पेन मैन्युफैक्चर करते वक्त रॉ मेटरियल था आयन एंड स्टील रॉ मटेरियल था सर जी प्रोसेसर ठीक रॉ मेटेरियल था प्लास्टिक ठीक है तो सर वर्कर लोगों ने क्या किया है वो रॉ मेटेरियल को कटिंग किया पॉलिशिंग किया है फिनिशिंग किया है फिटिंग किया हुआ है असेंबली किया हुआ है तो ये काम जो करते हैं वो डायरेक्ट वर्कर है जो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं वो आपके डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर कवर किया जाएगा सर अब ये मत लिख के आना एग्जाम के अंदर ये मत लिख के आना कि सर डायरेक्ट मटेरियल क्या था तो विच कैन बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट या फिर विच इज प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट सर डायरेक्ट लेबर में यह मत लिख के आना एग्जाम के अंदर कि डायरेक्ट लेबर कैन बी सीन इन द फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्ट लेबर कैन बी प्रेजेंट इन टू द फाइनल प्रोडक्ट यानी उसका आत्मा है टेबल में जिस टेबल पे जिस बेंच पे आप बैठे हुए चेयर पे आप बैठे हुए उस पार्ट है अरे भाई ऐसा नहीं है फाइनल प्रोडक्ट ये वर्डिंग मत करना गाइज वहां पर आप क्या लिखेंगे हुज वर्क कैन बी सीन इन टू द फाइनल प्रोडक्ट हुन बी सीन इन टू द फाइनल प्रोडक्ट जिसका काम फाइनल प्रोडक्ट के अंदर दिखता है वो आपका डायरेक्ट वर्कर है इज इट क्लियर वर्कर का काम दिखना चाहिए सर हां ये दिख रहा है सर किसी ने तो भी इसको कट किया है किसी ने तो भी असेंबल किया हुआ है किसी ने इसका जो है सर जी प्रोसेसर चीप वगैरह असेंबल किया हुआ है फिनिशिंग किया हुआ है ये सारे आपके जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर कवर किया जाएगा सर फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए कारपेंटर हो गया फिक्सर एंड फिनिशर हो गया ये आपके डायरेक्ट वर्कर है शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो टेलर है वो डायरेक्ट वर्कर की कैटेगरी के अंदर आएगा एंड सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो आपका प्राइम कॉस्ट के अंदर जाएगा कहाँ पे जाएगा प्राइम कॉस्ट के अंदर जाएगा प्राइम कॉस्ट के अंदर जाएगा जी हाँ सो so, ये था आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हाँ जी सर जी क्या लिखेंगे सर अगर आपको कुछ डेफिनेशन लिखना पड़ेगा या फिर आपको आइडेंटिफाई करना है लेबर कॉस्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है सिंपली आपको यह लिखना है सर जी जो वर्कर रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में यूज होता है वो आएगा आपका डायरेक्ट वर्कर जिसका काम फाइनल प्रोडक्ट के अंदर दिखता है वो आएगा आपका डायरेक्ट वर्कर एंड डायरेक्ट वर्कर जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट के अंदर चलेगा एग्जाम्पल दो दिया है एग्जेक्टली exactly इसके अपोजिट एग्जैक्टली इसके अपोजिट गाइस पड़ी इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है लेबर विच इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन टू द कन्वर्जन ऑफ रॉ मेटेरियल इंटू फाइनल प्रोडक्ट जी हा जो वर्कर रॉ मेटल और फाइनल प्रोडक्ट के कन्वर्जन का काम नहीं कर रहे सर तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है जिसका काम फाइनल प्रोडक्ट के अंदर नहीं दिखता है हुज वर्क कैनोट बी सीन इन टू द फाइनल प्रोडक्ट वो आएगा आपका इनडायरेक्ट लेबर एंड गाइस जैसे मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट लेबर जो है वो जाएगा ओवरहेड्स के अंदर ओवरहेड की तीन कैटेगरी एक फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री के अंदर यूज हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएगा इनडायरेक्ट लेबर ऑफिस के अंदर यूज हुआ है तो गाइज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर जाएगा इनडायरेक्ट लेबर अगर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त कि यूज किया है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाएगा ठीक है सो आई होप सो पॉइंट इज क्लियर डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एम्प्लॉय क्या है सर जो रॉ मेटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है जिसका काम दिख रहा है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर वो डायरेक्ट वर्कर है इनडायरेक्ट वर्कर क्या है जो रॉ मेटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ये प्रोसेस के अंदर कोई दूसरा प्रोसेस कर रहा है इनडायरेक्ट प्रोसेस वो कर रहा है जिसका काम फाइनल प्रोडक्ट के अंदर नहीं दिखता है ओके नाउ गाइस मैं काफी सारे अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मुझे बताना है और अब मुझे स्पेसिफिक आंसर आंसर चाहिए चाहिए अब मुझे स्पेसिफिक ये डायरेक्ट लेबर लेबर है है या है। और अगर आप आंसर दे रहे हो इनडायरेक्ट लेबर का तो आप स्पेसिफिक ये भी ट्राई करो बताने का कि ये फैक्ट्री ओवर है ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवर है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है अगर फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट खर्चा लगा हुआ है तो वो फैक्ट्री ओवर में जाएगा अगर ऑफिस के अंदर लगा हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवर में जाएगा और अगर सेल करते वक्त डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त लगा है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा ठीक है ध्यान से सुनिएगा मैं बहुत सारा एग्जाम्पल्स यहाँ पे कवर कर रहा हूँ सबसे पहला है जी हाँ आर यू रेडी गाइज फटाफट से आंसर दीजिएगा क्लीनिंग स्टाफ इन फैक्ट्री जो फैक्ट्री को क्लीन कर रहा है सो मेंटेन रख रहा है फैक्ट्री को वो फैक्ट्री के जो क्लीनिंग स्टाफ है उनका मैंने वेजेस पे किया उनको मैंने सैलरी पे किया अब फटाफट से एकदम जल्दी से आप आंसर दीजिएगा ये आंसर क्या आएगा ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगा या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर आएगा या गाइज़ जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा चलेगा सो so, मुझे सबसे पहले आंसर दिया शुभम जी ने शुभम जी बोल रहे कि ये जो है वो इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है फॉर फैक्ट्री रिजवान जी ने मुझे आंसर दिया इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है फॉर द फैक्ट्री चलेगा सबसे पहले तो ये देख लेते ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है सर फैक्ट्री का मेंटेनेंस कर रहे फर्नीचर का नहीं फर्नीचर बनाने में इनका कुछ भी रोल नहीं है सर आपको टेबल चेयर बेंचेस के लिए इनका यूज नहीं होता है ये फैक्ट्री को मेंटेन रख रहे और फैक्ट्री में ही वो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है तो ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया तो सर जी ये आएगा आपका इनडायरेक्ट एम्प्लॉई कॉस्ट और स्पेसिफिकली जाएगा वो फैक्ट्री ओवरहिड्स के अंदर शाबास शाबास परफेक्ट आंसर दे रहे हो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द फैक्ट्री इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द फैक्ट्री वेरी गुड फर्नीचर के लिए नहीं यूज हुआ है डायरेक्टली इसकी वजह से वो इनडायरेक्ट में जाएगा फैक्ट्री के अंदर जाएगा परफेक्ट आंसर दे रहे Second, सुनी हो बच्चों सैलरी पेड टू सर आपने सैलरी पे किया किसको सैलरी पे किया है सर जी स्टोर कीपर को या फिर स्टोर मैनेजर को अब स्टोर में क्या रखा हुआ है रॉ मटेरियल रखा हुआ है सर जी स्टोर के अंदर वो जो स्टोर मैनेजर है उसका आपने सैलरी पे किया है स्टोर कीपर की सैलरी स्टोर मैनेजर की सैलरी स्टोर्स के अंदर स्टोर रूम के अंदर जो स्टाफ बैठे हुए हैं उसकी सैलरी आपने पे किया है फटाफट फड़ से बताएंगे ये वेजेस एंड सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय में जाएगा या डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर जाएगा फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाएगा चलो फटाफट फड़ से आंसर दीजिएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द स्टोर ओके ओके स्टोर्स मुझे शुभम जी आप ये स्पेसिफिक आंसर दीजिएगा ये फैक्ट्री ओवरहेड है एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। दिमाग के अंदर एक ही कंसेप्ट होनी चाहिए स्टोर रूम कहां पे होगा फैक्ट्री के अंदर रॉ मेटेरियल का स्टोर रूम रहेगा या ऑफिस के अंदर रहेगा या सेल्स डिपार्टमेंट के पास रॉ मेटेरियल का रूम होगा इसे आपको आंसर देना है अच्छा चलो वेरी गुड वेरी गुड आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर कुछ मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के बोल रहे है? ओके okay, कुछ मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के आंसर uh, दे रहे हैं और कुछ मुझे फैक्ट्री के दे रहे हैं वेरी गुड मुझे ये आंसर एक्सपेक्टेड था और ये आंसर गलत आना ही चाहिए था ये गलत आंसर आना ही चाहिए था सो so दैट आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले जी हाँ hmm, क्या है इनडायरेक्ट लेबर फॉर द फैक्ट्री फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड कोई बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलो ठीक है ऑफिस की कॉस्ट बोल रहा है ओके okay. चलो एक सिंपल पॉइंट सिंपल क्वेश्चन गाइस ध्यान से सुनियो गाइस ये जो स्टोर रूम है जहां पे रॉ मटेरियल रखा हुआ है ठीक है सर सपोज मेरा जो फैक्ट्री है मुंबई के अंदर फैक्ट्री है ध्यान से सुनना एग्जांपल आपको इमीजिएटली आंसर आएगा मेरा जो फैक्ट्री वो मुंबई के अंदर है ठीक है मुंबई के अंदर एग्जैक्टली फैक्ट्री किधर है तो सपोज गाइज uh, uh, थाने के अंदर फैक्ट्री है जी हाँ मेरा फैक्ट्री कहाँ पे थाने के अंदर है फैक्ट्री थाने के अंदर है ओके लेकिन ऑफिस भी है सर हाँ हाँ बिल्कुल सर मेरा एकदम कॉरपोरेट काम है सर ये जो मेरा ऑफिस है वो बीके सी में है बीके सी ठीक है बीके सी तो आपको पता है सर अपने इंस्टीट्यूट भगवान का भी वहां पे है ऑफिस ओके uh, okay. बांद्रा कुरला कॉम्प्लेक्स के अंदर मेरा ऑफिस है ठीक है और सर जी मेरा जो सेल्स डिपार्टमेंट है ना वो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है आ, सपोज अंधेरी में ठीक है अब सर जी थोड़ा सा आप है ना आपका दिमाग अप्लाई कीजिएगा दिमाग अप्लाई कीजिएगा सर मुझे फर्नीचर जो है वो के है। तो फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करना है तो फर्नीचर फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करने का है तो उसके लिए मुझे लगने वाला आयरन एंड स्टील उसके लिए मुझे लगने वाला है वुड उसके लिए लैमिनेट लगने लगने वाला है लगने वाला है ठीक कलर्स वगैरह मुझे वाले आप ही सोचो सर स्टोर रूम किधर रखना बेटर है ये फैक्ट्री के अंदर थाने के अंदर रखना बेटर है या फिर बीके ऑफिस के अंदर बिरला कुरला कॉम्प्लेक्स के अंदर जहां पे मेरा कॉपरेट ऑफिस है वहां पे मैंने ये सारा स्टोर रखना चाहिए या फिर जो सेल डिपार्टमेंट है ठीक है जहां पे फाइनल प्रोडक्ट मैं बेचता हूं वहां पे मैंने रॉ मटेरियल रखना चाहिए क्या लगता है सर आपको क्या लगता है आपको जिन जिन लोगों का गलत आंसर टेंशन ना लो सर ये सीख ही रहे हम अब आपको ये पॉइंट क्लियर होएगा। देखो अब आपके आंसर चेंज हो गए जिन जिन तो बर दिमाग अप्लाई किया है, और वो क्या चाहिए फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए क्योंकि वही कन्वीनियंट है इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है और वो जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर वेरी गुड फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जो है वो जाएगा चलो मैं तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ आंसर देना सर जी अकाउंटेंट की सैलरी जी अकाउंटेंट है अकाउंटेंट ये जो फर्नीचर इंडस्ट्री है उसका अकाउंटिंग हो रहा है सर जी सेल हो रहा है परचेस हो रहा है ठीक है एक्सपेंडिचर है सैलरी वगैरह सबका अकाउंटिंग किया जा रहा है सर ये अकाउंटेंट की सैलरी एम्प्लॉय कॉस्ट है ना सर ये ठीक है मेरे पेरोल पे था फटाफट फड़ से आप आंसर दीजिएगा सर जी ये अकाउंटेंट का सैलरी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है यानी ये अकाउंटेंट सर जी बेंच मैन्युफैक्चर करता है क्या अकाउंटेंट टेबल मैन्युफैक्चर करता है क्या ये सोच के बताइएगा जरा ओके चलो 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 आंसर आ रहे है सर जी शुभम जी ने आंसर दिया अर्षिया जी यशन रिजवान जी ऑफिस ओवरहेड ओके ऑफिस ओवरहेड इनडायरेक्ट

अच्छा इनडायरेक्ट आ गया तो ये बैठता कहां पे इसका खर्चा कहां पे लगता है सर ये जो अकाउंटेंट है ना ये फैक्ट्री के अंदर बैठ के फायदा नहीं है ऑफिस के अंदर बैठेगा तो ये जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट परफेक्ट है सर जी शानदार आप आंसर दे रहे हो परफेक्ट आंसर दे रहे हो चलेगा मेरा अगला एग्जाम्पल है ध्यान दीजिएगाइस मशीन है इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने के लिए इंजीनियर है हम्म हाँ सर जी इसको रिपेयर एंड मेंटेन रखने के लिए एक इंजीनियर है ये इंजीनियर को हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं सर जी अपना हाउस है पेरोल पे अपने सर इसको हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं सर जी फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ जी हाँ ध्यान से सुनियो सर ये क्या काम कर रहा है ये इंजीनियर है मशीन का मेंटेनेंस का काम उसका है मशीन का रिपेयरिंग का काम उसका है इफ देर इज अ स्टॉपेज मशीन खराब हो जाता है तो फटाफट -फड़ से रिपेयर करके प्रोडक्शन वापस से स्टार्ट करवा देगा तो उसको हम लोग फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ का जो है वो सैलरी पे कर रहे हैं जल्दी से आप आंसर दीजिएगा ये जो है ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है जल्दी से फटाफट -फड़ से आंसर दीजिएगा और फैक्ट्री ओवर में जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवर में जाएगा या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर के अंदर जाएगा जी हाँ सो so, अब मुझे आंसर आ रहे हैं फटाफट फड़ से इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है फैक्ट्री का है इनडायरेक्ट अंडर फैक्ट्री इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवर जी हाँ इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवर शाबाश गाइज सैल्यूट है आपको सलाम परफेक्ट आंसर दे रहे हो गाइज अभी तक तो, तो आज तो पहला लेक्चर है दो तीन कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है शानदार जानदार लगातार आप करेक्ट आंसर दे रहे फैक्ट्री ओवर के अंदर जाएगा जी हाँ सबसे पहले बात तो ये है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है कैसे पता चला सर ये इंजीनियर डायरेक्टली फर्नीचर मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है सर इंजीनियर का काम क्या है ये मशीन को रिपेयर कर रहा है सर और मशीन से फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है तो वाया वाया रिलेशनशिप हो गया एबीसी रिलेशनशिप हो गया ये इनडायरेक्ट जाएगा और ये कहाँ पे काम करेगा जहाँ पे मशीन है मशीन कहाँ पे है फैक्ट्री के अंदर है तो ये फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्लासीफाई किया जाएगा शाबाश बच्चों चलो 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 गाइज आगे बढ़ो फटाफट से हाँ जी गाइज एंड गर्ल्स अगला जो एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं वो है आपका सेल्समैन की सैलरी जी फटाक से आप आंसर दीजिएगा सेल्समैन के सैलरी कौन से कैटेगरी के अंदर डालेंगे सर जी सेल्समैन का काम क्या आपको पता है

इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है क्योंकि सेल्समैन इज नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट जी हां फर्नीचर बनाने में इनका कोई रोल नहीं है बेचने में इनका रोल है तो ये इनडायरेक्ट है पॉइंट नंबर इनडायरेक्ट है तो ओवरहेड के अंदर जाएगा और ओवरहेड की तीन कैटेगरी है कौन सी तीन कैटेगरी है सर एक तो हो सकती है आपके फैक्ट्री के अंदर और ऑफिस के अंदर या सेल्स के अंदर या डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तो स्पेसिफिक जो है वो सेल्स के अंदर आएगा परफेक्ट है गाइस शबास सो सेल्स के अंदर जो है सेल्स ओवर के अंदर जा एक का एकदम करेक्ट आंसर दिया है नेक्स्ट एग्जाम्पल गाइस, वेयर हाउस कीपर की सैलरी बच्चों 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 बच्चो। चलो जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा वेयर हाउस कीपर की सैलरी हाँ जी uh, सर वेयर हाउस अच्छा एक बेसिक कंसेप्ट एक क्लैरिटी लानी है ध्यान से सुनो गाइज एक थोड़ा दस सेकेंड के लिए रुकिएगा इंटरप्ट करो आई एम सॉरी आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर द आंसर बट रुकिएगा जनाब गाइज कॉस्टिंग के अंदर स्टोर रूम अलग कंसेप्ट है वेयरहाउस अलग कंसेप्ट है स्टोर रूम के अंदर रॉ मटेरियल रखा जाता है और वेयरहाउस के अंदर फाइनल प्रोडक्ट रखा जाता है जब हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिलीवरी देना है तब वेयर हाउस यूज किया जाता है और जब फैक्ट्री है फैक्ट्री के अंदर स्टोर रूम यूज किया जाता है तो गाइज जनरली हम लोग क्या करते हैं ये इंटरचेंजेबल वर्ड यूज करते हैं कि स्टोर और वेयर हाउस सेम ही नहीं सर कॉस्टिंग के अंदर स्टोर रूम अलग है यहाँ पे रॉ मटेरियल रखा जाता है और कॉस्टिंग के अंदर वेयर हाउस अलग कंसेप्ट है यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट स्टोर किया जाता है एंड गर्ल्स मेरा एग्जाम्पल था वेयर हाउस कीपर का सैलरी ऑगेस सर जी वेयर हाउस कीपर का सैलरी सर वेयर हाउस कीपर का जो सैलरी है वो इनडायरेक्ट है ज वेर हाउस कीपर इज नॉट इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ रॉ मेटेरियल इंटू फाइनल प्रोडक्ट यस सर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो वो इनडायरेक्ट है अच्छा वो अगर इनडायरेक्ट है तो वो कहां पर जाएगा बच्चों वो फैक्ट्री में नहीं सर वेयरहाउस फैक्ट्री में नहीं हो सकता है सर ऑफिस नहीं सर ऑफिस के अंदर किधर फाइनल प्रोडक्ट रखे सर तो ये कहां पर जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाएगा स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाएगा चलेगा गाइस सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो मुझे कवर करना पड़ेगा सो गाइज गर्ल्स हमने आज क्या क्या कवर किया उतना एक फटाफट -फड़ से देख लेते गाइज इन फॉर द डे गाइज आज फर्स्ट लेक्चर है मुझे ज्यादा आप पे बर्डन ज्यादा ये नहीं डालना है प्रेशर नहीं करना है आराम आराम से ग्रेजुअली समझ के बेसिक क्लियर कर करके हम लोगों को आगे बढ़ना है ठीक है वे अगर कंप्लीट इन टाइम लेकिन सर मुझे घाई करके नहीं करना है हंड्रेड परसेंट आपका जो है वो क्लैरिटी आना चाहिए उसके बाद ही सर जी आगे बढ़ेंगे तो आज हम लोगों ने क्या सीखा है सर जी जी हाँ नो 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 फैक्ट्री एंड गोडाउन कैसे सेम होएगा गोडाउन के अंदर गाइज आपको गुड्स रखने पड़ते हैं जी हाँ सो so, दो ही वर्ड यूज होता है कॉस्टिंग के अंदर एक तो वेर हाउस या स्टोर रूम स्टोर रूम के अंदर रॉ मटेरियल एंड वेयर हाउस के अंदर फाइनल प्रोडक्ट अब आप बोल रहे गोडाउन क्या है तो गोडाउन के अंदर पहले तो ये डिसाइड करो आपने रखा क्या है अगर रॉ मटेरियल रखा हुआ है तो वो फैक्ट्री का रहेगा या फिर अगर आपने वहां पे फाइनल प्रोडक्ट रखा है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा आई होप सो पॉइंट इज क्लियर चलेगा चलो बच्चों फटाफट से रिकैप कर लेते हैं आज हमने क्या सीखा सबसे पहला जो कंसेप्ट हमने सीखा वो सीखा हमने कॉस्ट क्या है क्या है कॉस्ट क्या है कॉस्ट इज डन टू अचीव ऑब्जेक्टिव दो ऑब्जेक्टिव था मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स और प्रोविजन ऑफ द सर्विस ठीक है एक्सपेंडिचर इनकर ठीक है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ये आपकी कॉस्ट है सेकेंड हम लोगों ने डेफिनेशन सीखा है और वो है हमारा कॉस्टिंग का अरे भाई कॉस्टिंग क्या है टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट कोई तो भी एक टेक्निक एंड प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कॉस्ट एसरटेन करने के लिए इसके बाद सर जी तीसरा था कंसेप्ट हमने देखा कॉस्ट अकाउंटिंग जी हम अमू कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है सर स्टार्ट कहाँ पे हुआ था और खत्म कहाँ पे हुआ स्टार्ट कहाँ पे हुआ रिकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर खत्म कहाँ पे हुआ पीरियोडिकल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट प्रिपेयर करके खत्म हो गया सर ये क्यों किया सर फॉर एसरटेनमेंट एंड कंट्रोल द कॉस्ट क्यों कर रहे हैं सर ये रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर एसरटेन करना था कॉस्ट एंड कंट्रोल करना था सही है सर इसके बाद जबरदस्त एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने देखा था और वो कंसेप्ट था सर जी हमारा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सर याद है ना भूल तो नहीं गए सर जी ऑब्जेक्टिव पहले तीन पॉइंट तो सिंपल थे जी हाँ सर so, सर जी पॉइंट नंबर वन उसके अंदर क्या था सर जी कॉस्ट एसरटेन करना पॉइंट नंबर टू क्या था सेलिंग प्राइस एसरटेन करना सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना तीसरा पॉइंट क्या था सर जी हर एक प्रोडक्ट का हर एक एक्टिविटी का हम लोगों को जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना ठीक है सर एक लाइन कॉमन था अगर आपको याद है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी एवरी प्रोडक्ट एवरी सर्विसेज ये आएगा आपका कॉमन पार्ट सो कॉस्ट कैलकुलेट करना सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना एंड प्रॉफिट कैलकुलेट करना चलो सर उसके बाद फोर्थ पॉइंट था सर जी मैनेजमेंट को एसिस करना डिसीजन लेने में एस इज द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग सर मुझे बहुत सारे डिसीजन लेने हैं क्या क्या डिसीजन लेने हैं सर कंटिन्यू करना है शटडाउन करना है नया फैक्ट्री डालना है नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का नया मार्केट के अंदर आना है तो बहुत सारे डिसीजन जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे मुझे करना है ओके okay, उसके बाद था सर जी कॉस्ट कंट्रोल जी हाँ कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था सर जी चार पॉइंट्स हमने देखे थे वो चार पॉइंट कौन से थे पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर बी पॉइंट नंबर सी पॉइंट नंबर डी इफ यू रिमेंबर सर पॉइंट नंबर ए के अंदर क्या था सजी? सबसे पहले हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया, उसके बाद हम लोगों ने एक्चुअल के साथ कंपेयर किया या फिर एक्चुअल कैलकुलेट किया कंपेयर किया मालिक स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ हम लोगों ने कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद डेविएशन आए डिफरेंस आए और डिफरेंस पे हम लोगों ने कुछ एक्शन लिया कॉस्ट कम करने के लिए वेरी नाइस सर जी सिक्स पॉइंट भूल तो नहीं गए कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट रिडक्शन सर जी कॉस्ट रिडक्शन क्या है जो रियल है एंड परमानेंट है वो आपका कॉस्ट रिडक्शन में आएगा तो ये चार पॉइंट पहले कवर किए फिर बच्चों हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट देखा सो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में बेसिकली तीन एलिमेंट है एक तो मटेरियल कॉस्ट है दूसरा एम्प्लॉय कॉस्ट है और तीसरा एक्सपेंसेस है ठीक है सर एलिमेंट में मटेरियल है एम्प्लॉय है एंड एक्सपेंसेस है हर एक कैटेगरी में दो सब कैटेगरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर हमने आगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल क्या है ये सीखा सर जी जो मटेरियल डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है जिसका आइडेंटिटी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर है जिसका इनपुट आउटपुट रेशियो क्लियर है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है डायरेक्ट मटेरियल जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट के अंदर बच्चों सेकेंड इनडायरेक्ट मटीरियल इनडायरेक्ट मटीरियल जी हाँ बच्चों इंडायरेक्ट मटीरियल क्या है मटीरियल विच इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन टू द प्रोडक्शन जो फाइनल नहीं दिखता है, जो के अंदर नहीं है जिसका आइडेंटिटी गया वो आपका इनडायरेक्ट मटीरियल के कैटेगरी के अंदर जाएगा और इनडायरेक्ट मटीरियल जो है वो ओवर के अंदर जाएगा बस आपको ये डिसाइड करना है कि वो इंडायरेक्ट मटेरियल कहाँ पर यूज हुआ है? अगर फैक्ट्री के अंदर यूज हुआ है तो फैक्ट्री ओवरेड ऑफिस के अंदर यूज हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेड सेल करने के लिए यूज हुआ तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आएगा चलेगा इसके बाद अगला कैटेगरी की तरफ आते हैं वो था आपका डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट सर जो वर्कर रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं वो सारे वर्कर का वेजेस जो है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर कवर किया जाएगा जिसका काम फाइनल प्रोडक्ट के अंदर दिखता है वो आपका डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर आएगा डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट प्राइम कॉस्ट के अंदर आता है और अभी भर भर के हम लोगों ने एग्जाम्पल दिए थे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हमने कवर किए थे और वो था आपका इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है जो वर्कर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है जिनका काम फाइनल प्रोडक्ट के अंदर नहीं दिखता है ठीक है वो इनडायरेक्ट वर्कर है और वो जाएगा आपका ओवरहेड्स के अंदर डिपेंड्स कहां पे ये कॉस्ट इनकर किया है अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री ऑफिस है तो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आई होप सो so. आई होप सो so. यहां तक आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं गया है आज के जो कंसेप्ट समझने में आपको बहुत अच्छे से समझा रहेगा ये मैं आशा करता हूं जी आ, हाँ हाँ नोट्स अच्छा अब जो है वो आपका थैंक यू सो मच गाइज यहां पे आज के कंसेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं अब आपको जो भी कुछ क्लियर डाउट है तो आप वो डाउट बिल्कुल बिंदास फटाफट से पूछ सकते हैं जी हाँ अब डाउट सेशन है सर जो भी आपके डाउट्स है वो ओके नोट्स का पीडीएफ मिल, कब मिलेगा ओके अब कल का जो लेक्चर है अगले जो दो या तीन लेक्चर है इसके अंदर हम लोगों को पीडीएफ लगने वाली है तो कल का जो डिस्क्रिप्शन आएगा जो लेक्चर आएगा उसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स में हंड्रेड प्रोवाइड करूंगा ठीक है फर्स्ट डे जानबूझ के मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ अदरवाइज क्या स्टूडेंट वही देखते रहता है ठीक है तो कल से पीडीएफ आ जाएगा और जो जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है उनके जो नोट्स है वो 20 अगस्त ट्वेंटी अगस्त से डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएगा जी हां चलेगा सो अब जो है वो क्वेरी सेशन है जो जो आपको क्वेरी है जो आपको डाउट है जो आपको नहीं समझा है ठीक है वो फटाफट से आप क्वेरी पूछिएगा जी हाँ 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 हाँ, हाँ ओके चलो एक आंसर है सर बिल्डिंग में वाटर जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आएगा जी हाँ बिल्कुल इनडायरेक्ट में आएगा क्यों क्योंकि वाटर का आइडेंटिटी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर नहीं है वो इवेपोरेट हो जाता है उसका आइडेंटिटी फाइनल प्रोडक्ट से निकल जाता है और जिसका आइडेंटिटी फाइनल प्रोडक्ट में नहीं है वो आपका डायरेक्ट मटीरियल नहीं हो सकता सर क्योंकि आप चेक करो सर कंस्ट्रक्शन करते वक्त क्या होता है सर आपने जैसे ही प्लास्टर वगैरह किया या ब्रिक वर्क किया उसको पानी मारते हैं सर ओके सो so, वो पानी तो रहता ही नहीं ना सर फाइनल प्रोडक्ट में वो एपस हो जाता है उसका आइडेंटिटी निकल जाता है ठीक है तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर आएगा चलो नेक्स्ट और क्या क्वेरी है नोटबुक कितने पेज का बना है सर बहुत पेज लगने वाला है सर आपको कम से कम यानी 200 300 सौ पेजेस के पाँच चार पाँच नोटबुक लगेंगे सर आप ही डिसाइड कर लो ना छः सौ सात सौ सात सौ साढ़े सात सौ क्वेश्चन सॉल्व करना है टेस्ट वगैरह देने का है तो आप बड़ा वाला जो है वो नोटबुक मिनिमम टू हंड्रेड पेजेस का तो भी एक नोटबुक होना चाहिए चलो हाँ आ, अब एक और क्वेरी आया है सर आपने बिल्डिंग का पेंट यूज किया है सर बिल्डिंग का जो पेंट यूज किया है वो डायरेक्ट मटेरियल क्यों क्योंकि जो पेंट यूज किया है वो डायरेक्ट मटेरियल क्यों दिख रहा है, चलो, 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 है फटाफट -फड़ से क्वेरी पूछते रहिएगा ओहो हो 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 बहुत होशियार है हाँ बहुत होशियार है कुश बंसल जी ने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है वो बोलता है सर ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आता है वो डायरेक्ट कॉस्ट होता है क्या क्या बात है सर सो so, uh, हम लोग जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जनरली जो एक्सपेंडिचर रहता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखते हैं जी हाँ सर ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग मटेरियल और जो डायरेक्ट वर्कर है या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो लिखते हैं जानबूझ के मैंने आज ये पॉइंट नहीं बताया क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट अभी तक एक्सप्लेन करना बाकी है इसलिए मैंने नहीं बताया लेकिन बराबर है आपका चलो नेक्स्ट और कुछ क्वेरी है तो बोलिएगा गाइस चलो चलो क्वेरी पूछो पावर को इंडरेक्ट में क्यों लिया पावर को इंडायरेक्ट में क्यों लिया सर रुको ना कल के लेक्चर के लिए पावर को इनडायरेक्ट में लिया ही नहीं सर मैंने पावर का तो एक्सप्लेनेशन ही नहीं हुआ है सर पावर एक्सपेंडिचर के अंदर आता है भाई साहब पावर इलेक्ट्रिसिटी का जो पेमेंट करते हैं वो मटेरियल नहीं लेबर नहीं है वो एक्सपेंडिचर के अंदर आता है मैंने एग्जांपल ये नहीं दिया था पावर का मैंने एग्जांपल दिया था पेट्रोल एंड डीजल यूज हुआ है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ है फर्नीचर के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ है फर्नीचर के लिए मैंने पेट्रोल एंड डीजल का यूज किया है एग्जाम्पल मैंने पावर का लिया नहीं है क्योंकि पावर एक्सपेंसिस है आज मैंने एक्सपेंसिस तो कवर नहीं किया सर एक्सपेंसिस का पार्ट कल आने वाला है ठीक है चलो अच्छा आ, पावर का क्वेरी सॉल्व हो गया आई होप सो कुछ आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो गई है उसके बाद जो सॉफ्टवेयर का की कैसे जनरेट सर सॉफ्टवेयर का की अभी अपलोड नहीं किया हुआ है आप वेट कीजिएगा टेन डेज है गाइज टेन डेज यूट्यूब पे ही लेक्चर रहने वाला है ठीक है मीन वाइल वो जो है वो आपको सीरियल की जनरेट हो जाएगा वैसे भी पहले दस लेक्चर यूट्यूब पे है वो सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं रहेंगे आपको यूट्यूब से ही देखना है चलेगा नेक्स्ट ज रेनिय फटाफट से अगर कोई क्वेरी है तो पूछिएगा इफ नॉट देन साइन आउट गाइस मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर कल का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जहां पे हम लोग कुछ प्रैक्टिकल पार्ट भी कवर करने वाले हैं सो आई होप सो आपके क्वेरीज जो है वो मैंने सॉल्व किया हुआ है सो साइन आउट करो गाइस थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर टेक केयर थैंक यू सो मच यश जी जी हाँ हर एक सेशन अपना ऐसा इंटरेक्टिव होने वाला है बहुत मज़ा आएगा सर कॉस्टिंग जो है वो हाईएस्ट मार्क्स हमें लेके आता है सर थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू थैंक यू चलो साइन आउट कर रहा हो गाइस क्योंकि किसी का क्वेरी नहीं आ रहा है चलो थैंक यू